और की मुलाकात होती है राजस्थान में और वहां से जो दोस्ती होती है आज तक वो दोस्ती चल रही है आज दो हजार चौबीस बाजू वाले से मैं क्या पूछ रहा हूँ की आप कॉलेज जा रहे हो तो हाथ में कुछ कॉपी वापी नहीं है आज ऐसे जा रहे हो क्या खाली हाथ वो मेरे को पता क्या जवाब देता है वो मेरे को जवाब देता है कि आपको पता होना चाहिए कि आप स्टाफ बस में बैठे हुए हैं तब मेरे को ना रैगिंग का उतना आइडिया नहीं था कि कॉलेज में रैगिंग कैसे क्या होती है कॉलेज जब पहुंचा ना तब देखा कि लाइन लगी है हम लोग को सर झुका के एकदम अपने थर्ड बटन को देखते हुए चलते जाना है और वहां जाके कॉलेज में बैठे तब मेरा दिमाग घुमा कि भाई ये कहाँ आ गया मैं तो को पता है तीन महीने में हॉस्टल से भागा हुआ था तू भाग गया था हॉस्टल से तो मेरे को नहीं था। कभी तो बोलता था बहुत एंजॉय करता हूँ बहुत एंजॉय कर रहा था बाहर कॉलेज <laughs> कॉलेज में नहीं कर रहा था तो खाओ, खाओ, यादव सर के पास पहुंचे वहां पे अटेंडेंस देखे तो बताया कि भैया आपका अटेंडेंस इतना शॉर्ट है फाइन लगेगा ये भी पहली बार देखा मैं सर अटेंडेंस शॉर्ट होने का भी फाइन मतलब कॉलेज जाने का पैसा दो कॉलेज नहीं जाने का भी पैसा दो सारा गर्मी बहुत है पढ़ने में मन नहीं कर रहा है तो एक काम करते हैं ये दो दे देता हूँ ये चार को अभी नहीं दूंगा अगले बार देखिए तो, तो उसमें वो कैरी फॉरवर्ड होते कितने बाई दी एंड ऑफ विच ईयर बाई द एंड ऑफ आई थिंक थर्ड ईयर सुबह उठा मैं एग्जाम देने गया हूँ जैसे मेरे पास क्वेश्चन पेपर आया मैं देखा क्वेश्चन मैंने कहा भाई ये किसका है मैं बाजू वाले से पूछा कि भाई तेरा क्वेश्चन पेपर मेरे पास तो नहीं आ गया है वो बोलता है, कि का है? मैं देखा, कुछ और है? आ, मतलब जो एक दिन, दो दिन बाद लगना बड़ा आम है तो हमारे जमाने में भी बहुत कॉमन होता था लगभग अगर एक का बैच है तो लगभग फर्स्ट ईयर में 90 बच्चे फेल हो जाते थे उसमें ये वाकई में होता था तो कोई बड़ी बात नहीं है हाँ किसी के एक बैग किसी का दो बैग किसी का तीन बैग ठीक है बैकलॉग मतलब अगर आप उस सब्जेक्ट को क्लियर नहीं करते उसको बैकलॉग कहते हैं कई बच्चे आजकल उसको पेटी भी कहते हैं कितने बैकलॉग सुने हो गए आपने किसी एक बंदे के तीन पाँच दस पंद्रह आज जिस गेस्ट को मैंने इन्वाइट किया वो मेरा बहुत ही खास मित्र है उसका नाम है सुमित श्रीवास्तव अंबिकापुर का निवासी है छत्तीसगढ़ का और उसकी बैकलॉग की कहानी ना वो खुद ही जब आपको सुनाएगा तो आप बिल्कुल उसमें जो इंस्पिरेशन आपको मिलेगा वो बहुत ही शानदार होगा बाई दी एंड ऑफ दी थर्ड ईयर उसके टोटल हो गए थे बाईस बैकलॉग अब थर्ड ईयर आते आते आप पेपर कितना दोगे लगभग छत्तीस पेपर दोगे उसमें से बाईस में बैकलॉग थे सोचिए वो बंदा वहाँ से निकल करके गेट के एग्जाम को क्वालिफाई करता है एन आई टी ट्रिची तक पहुँचता है एम टेक करता है और अभी अपनी खुद की कोचिंग इंस्टीट्यूट चालू करता है ये जो तो स्ट्रगल है उसको बड़े डिटेल से आज हम बात करने वाले हैं ये आसान नहीं होता कभी कभार कहते हैं ना जिंदगी में अगर आपको लंबी छलांग लगानी है तो कुछ कदम हमें पीछे लेना पड़ता है और फिर हम तेजी से दौड़ करके आते हैं और उस छलांग को लगाते हैं तो आप सभी को मैं मिलवाना चाहूंगा सुमित श्रीवास्तव से और बहुत इंजॉय करेंगे आज के सेशन में शेरी सुमित श्रीवास्तव एंड स्पीक विद एम तो सुमित सबसे पहले तो आप अपने बारे में कुछ बताओ मैंने तो एक जस्ट एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया है अब डिटेल में आप बताओ आपका नया वेंचर क्या है और धीरे धीरे पुरानी बातों पर भी हम जाएंगे एक करके बताइए बिल्कुल बिल्कुल सबसे पहले बानस भाई थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोडक्शन एंड थैंक यू सो मच फॉर द कन्वर्सेशन और बहुत कम समय मिलता है आजकल कल की ऐसे बैठ के बातें हो पाती किसी से सब काम काम में लगे रहते हैं तो किसी बारे बातें भी होंगी और क्या बात क्या, क्या क्या कौन कौन सी बातें निकल जाए चलो देखते हैं अपन तो सबसे पहले मैं बताऊंगा वेलोसिटी एजुकेशन के बारे में तो भाई देखो वेलोसिटी एजुकेशन मैं बाय हार्ट हूँ इंजीनियर लेकिन टीचिंग का एक था मेरे में कि मुझे एजुकेशन में जाना है मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है मुझे कोई चीज को समझाना अच्छा लगता है तो टीचिंग के फील्ड में तो मैं बहुत पहले से आ गया था मैं एम के समय भी बीटेक वालों को पढ़ा रहा था स्कूल वालों को पढ़ा रहा था यहाँ पे आने के बाद मैं कॉलेज में था असिस्टेंट प्रोफेसर रहा कॉलेज में तो टीचिंग बैकग्राउंड में था मैं तो बस वैसे ही मुझे मौका मिला तो मैं अंबिकापुर में यहाँ पे प्रयास स्कूल था मैंने वो ज्वाइन किया हुआ था प्रयास स्कूल गवर्नमेंट के ही इनिशिएटिव है नीट एंड कोचिंग के लिए तो वहां पे ही मुझे अच्छे अच्छे टीचर्स की टीम मिली मुझे कुछ अच्छे टीचर्स मिले तो उन्होंने कहा कि अंबिकापुर में कोई अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट उनको नहीं दिखता मतलब मैंने भी ये चीज ऑब्जर्व किया था कि अंबिकापुर जैसी जगह पे जहाँ पे इतना पोटेंशियल है इतनी लोग हैं यहाँ पे लेकिन ना यहाँ पे कोई ब्रांड नहीं था मतलब कोई बहुत ब्रांडेड कोचिंग जैसे जो होता है जैसे मैंने कोटा में देखा था या बाकी लाइफ में आपने देखा था वैसा कुछ था नहीं यहाँ पे तो मुझे एक ना लूप होल यहाँ पे दिखा कि यार ये ना अभी डिमांड है रिक्वायरमेंट है तो मैंने सोचा कि इसको स्टार्ट किया जाए तो बस वेलोसिटी एजुकेशन 2019 में वैसे ही चालू हुआ बाद में कोविड से हम लड़े यहाँ की जो लोकल सिनेरियो है जो यहाँ की कंडीशन है उससे हमने फाइट किया वो फाइट अभी भी चालू है और अभी इतना मान सकते हैं कि अंबिकापुर में सबसे अच्छा सेटअप अभी हम लेके रखे हुए हैं जहाँ पे एल के जी से लेके यूपीएससी तक की सभी तरह की कोचिंग हम बच्चों को कराते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन हमारे खुद के स्टडी मटेरियल्स हैं लगभग 68 टाइप्स की आ, बुक्स हैं जो हम खुद पब्लिश करते हैं जो हम अपने स्टूडेंट को देख देते हैं हमारा खुद का डेडिकेटेड ऐप है जहाँ पे हजार से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं जिसपे लोग पढ़ते हैं ऑनलाइन क्लासेस हम उनको प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन टेस्ट उनको मिलता है और कुल मिला के अभी स्किल डेवलपमेंट आर्ट कल्चर म्यूजिक एंड कॉम्पिटिटिव और जो जो भी चीजें रिक्वायरमेंट होती हैं फिलहाल जो कई चीजें हैं जो आ, कहना नहीं चाहिए लेकिन जो कॉलेज और स्कूल बच्चों को नहीं दे पाता तो हमारी कोशिश है कि वो हम यहाँ के स्टूडेंट को दे यहाँ या यहाँ की जो स्टूडेंट है जो हमसे इससे जुड़ सकते हैं हम चाहते हैं कि उनको ये फैसिलिटी वो एजुकेशन का लेवल मिले तो बस इसी के साथ एक टीम के साथ मैं लगा हुआ हूँ अच्छा इस पर ए, ए, एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है आपसे मैं पूछता हूँ देखिये छोटे शहर में और मेट्रो शहर में हुँ? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस तो रहता ही है बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी और बिजनेस करने का सेंस अब आप, आपने अपॉर्चुनिटी सेंस किया ठीक है और आप उसको लूपोल कह रहे हो तो आपने यहाँ पर एक अपना बिजनेस सेटअप किया कितना मुश्किल होता है एक छोटे शहर में बिजनेस सेटअप करना कंपेयर टू तो अ मेट्रो सिटी और समथिंग लाइक दैट मतलब आपको क्या लगता है क्या क्या फायदेमंद रहा आपके लिए या क्या नुकसानदायक रहा आपका नजर मानस भाई मैं सही बताऊं तो फायदेमंद <laughs> तो है चलो क्योंकि कहीं ना कहीं पे अगर आपको दिखा है कि वो वर्ल्ड है वो गैप है <laughs> तो आप उसको फिल कर रहे हो तो इवेंचुअली <laughs> आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा लेकिन चैलेंजेस बहुत है मैं आपको सही बताऊं बड़े शहर और छोटे शहर में <laughs> वाकई में बहुत बड़ा डिफरेंस आता है लोगों की सोच में मानसिकता में <laughs> <laughs> अब यहाँ पे सोच मानसिकता में ना फाइनेंशियली भी कहूंगा और एकेडमिकली भी कहूंगा मतलब आप बड़े शहर के स्टूडेंट को देखोगे तो वो आपसे ज्यादा एक्टिव आपको मिलेगा मतलब वो दो कदम के आगे का सोच रहा है उसको नीड है वो क्रेव करता है कि उसको ये भी सीखना है वो भी सीखना है कहाँ से वो सीख सके एंड ऑल लेकिन छोटे शहर में वो एकदम अपोजिट है बहुत कम आपको लोग मिलेंगे जो सीखना चाहते हैं आपको इनू पुश करना पड़ता है इट्स लाइक गांव में कभी किसी ने आम नहीं खाया है तो पहले आप आम खिलाओ ताकि उनको बताओ कि भाई आम भी खाया जाता है तो यहाँ पे क्या है कि एक और चीज मैं रोक थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन को थोड़ा सा रोकूंगा इतना सम्मान देके मेरे से बात करने की जरूरत नहीं तू तड़ाक तो करके Actually बात यही बोलने वाला था मानस भाई ये मत बोलो <laughs> गाली मत बोलो जैसे देंगे करिए नेचुरल

हम दोनों का कब से है वो हमारा अब तो मेरे भाई हम दोनों एक दूसरे को कब से जानते हैं वो सबसे पहला पल उस संस्था का नाम मत लेना अरे ले लेते ना क्या दिक्कत है नाम नहीं लेना किसी का भी अच्छा, नाम हम नहीं लेंगे अपन हां हां लेकिन थीके, हमारी मुलाकात कहाँ हुई थी कौन से शहर में कौन से राज्य में मेरे को याद है सन दो हजार आई थिंक वो होगा मई जून का टाइम अप्रैल हाँ। मई जून के टाइम में भाई मेरे को याद है मैं ना वो कोचिंग कोटा राजस्थान में पापा छोड़ के चले गए पापा मम्मी अकेला बंदा तेरे को, तेरे को को पिताजी कितने दिन पहले छोड़ के गए थे मुझे ये बता मेरे को तेरे से मिलने के लगता है कि ना दो हफ्ते तीन हफ्ते हुए होंगे मेरे को हार्डली अच्छा हम दोनों बहुत लंबा समय नहीं हुआ था हम दोनों के दोनों छत्तीसगढ़ से है एक ही राज्य से दो छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ सुमित जो है अंबिकापुर का निवासी है पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं ये और हम की मुलाकात होती है राजस्थान में और वहां से जो दोस्ती होती है आज तक वो दोस्ती हो, चल रही है दो हजार दो और, और आज है दो हजार चौबीस तो तो कितने साल हो गए बाईस साल हो गए मतलब हम दोनों के जो बाल है ना उसमें डिस इंटीग्रेशन हो गया मेरा पूरा दिखने लगा है कि मेरा टगला ना दिखे सुमित भाई ये तेरे बाल है वो नेचुरल है कि नहीं नेचुरल है नेचुरल है ये अगल बगल के है नेचुरल भाई बीच में गैप है ना तो उसको भर के लिए ढका हुआ है ऐसा ऐसा पफ बनाना पड़ता है ना पफ भाई बनाना पड़ता है बाल साथ क्या, क्या हो जाता है, जाता है मतलब

तू हाँ। बताया हाँ रायपुर के ये वो मेरे घर बस हो गया बस वो पहला इंसान था पता है जो मुझे छत्तीसगढ़ का मिला था मैं सच बता अच्छा। अभी तो कोटा फैशन हो गया लेकिन आज से चौबीस साल पहले मतलब मैं अपने अंबिकापुर में मैं किसी को नहीं जानता था हाँ। तो पहला इंसान था जो मुझे छत्तीसगढ़ का मिला था और फिर तो उसके बाद सची तो फिर आज की कहानी है भाई चौबीस साल हो गए अब छत्तीसगढ़ में हिंदी बोलने का भी एक एक एक्सेंट है है ना जैसे कौन आता है हम हाँ नहीं बोलते हाउ बोलते कोटा की तो, तो मतलब सुमित बहुत सारी हैं सबसे मतलब उस कचौड़ी का स्वाद जो है ना आज तक जमात पे उसका अलग एक मुझे लगता है भाई वो जैन कचौड़ी मुझे आज भी याद है वो अंकल जो है वो बनियाईन पहन के पेड़ बनियाईन से ऊपर करके इतना बड़ा पेड़ <laughs> और वो कचौड़ियाँ तल रहा है गरम-गरम कचौड़ियां वो शायद चटनी में हींग रहता था। वहाँ पर था। बंदा कचौड़ी खाएगा ही खाएगा कुछ भी कैसी भी आ जाए ऐसा नशा हो दो साल बहुत खाए है कभी फिर जाना हुआ जरूर कचौड़ी खाने के लिए जाऊंगा मैं प्रेम था मुझे कचौड़ी से कचौड़ी पेटीज कचौड़ी पेटीज प्याज कचौड़ी वहां का वो नाम के बहुत, याल क्रीम, याल क्रीम चिकन, अल करीम का हाँ। बहुत हाँ। बैंगलोर में अब खराब हो गया है वहाँ पे अब वैसा हाँ। नहीं रहा वहाँ पे कई लोग बताते हैं अल करीम अब कोई भी जब कोटा से हो क्या अल करीम गए थे क्या अब 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 मजा नहीं आता लोगों को वहाँ पे खाने में अब तो इतने आउटलेट्स खुल गए हैं मतलब अब तो अब तो अब, अब तो अब तो वो हबी हो गया है हबी अच्छा, हो गया है बिल्कुल बैकलॉग के आ, मतलब दुनिया में चलेंगे कुछ देर में <laughs> तो ये तो हमारा था कोटा का कनेक्शन और ऐसी बहुत सारी छोटी 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 यादें हैं हम लोग याद करते हैं और हंसते हैं कि मतलब क्या किए अब मुझे तो कहीं कर ये भी लगता है कि मेरे घर वालों ने मुझे क्यों भेज दिया था कोटा शायद ये रियलाइज करवाने भेजा था कि तेरा कुछ नहीं हो सकता <laughs> नहीं यार मैं ये आईना अच्छा नहीं, नहीं, एक, एक होता है कि भाई में मत रहो तुम्हारी कोई औकात नहीं अभी फिलहाल पहली औकात बनाओ फिर आगे बढ़ो बिल्कुल सीधी सी बात है आईना दिख जाता है आदमी को अरे मेरे साथ मेरा दिमाग भी उतना और यार वहां तो सुमित मैंने देखा पहला तो, चैप्टर जो लोग पढ़ाते थे बड़े धीरे 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 और बाद में जो पेस पकड़ते थे हम, तो तो हम लोग डेढ़ से, लो से दो महीने तक उस चैप्टर को खींचे थे और उसके बाद के टॉपिक्स तो खत्म होते थे कि लगता है हवाई नहीं लग रहा था भाई था रे पढ़ाई का जोश था उस समय बहुत पढ़ते भी थे याद है टॉप फाइव में हमेशा आने की कोशिश में वो

आगे की आगे। लाइफ में ना जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है ना या मैंने अपनी लाइफ के साथ जो किया था उस समय कोटा का बहुत बड़ा हाथ है मैं तो बता रहा हूं मैं। मतलब वो जो एटीट्यूड का चेंज आया ना वो भले बाद में पॉजिटिव दिखा लेकिन उस समय जो एक नेगेटिव चेंज है एटीट्यूड का वो सला कोटा की वजह से ही था अभी ना मैं अपनी उस लाइफ को ना रिवर्स साइकोलॉजी से समझने की कोशिश करता हूँ कि मेरे उस समय की साइकोलॉजी कैसी थी मैं सोचता क्या था तो अब लगता है मुझे

बैकलॉग की संख्या बैकलॉग मतलब कई लोग आजकल उसको केटी कहते हैं महाराष्ट्र है, है, तो में केटी कहते हैं उसको बैकलॉग की संख्या इतनी बड़ी हो जाती है ना तो ऐसे बंदे से कुछ ज्यादा उम्मीद करते नहीं है लोग वो अरे क्या यार इंजीनियरिंग नहीं कर पा रहा है आजकल इंजीनियरिंग को इनफैक्ट मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग उसको ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा की पढ़ाई से भी नीचे आका जाता है यार इंजीनियरिंग तो एग्जाम टाइम में होती है एक रात की पढ़ाई होती है और कुछ हद तक ये बात सही भी है कुछ कुछ विषय ऐसे हैं आएंगे इंजीनियरिंग में पर एक डिसिप्लिन में जहाँ पर आप एक रात में एक रात में तो मैं तो नहीं कर सकता दो तीन रात अगर मिल जाए है ना 48 आवर्स मिल जाए तो आप कर लेंगे 48 आवर्स बिल्कुल तो चलो सुमित प्रश्नों की श्रृंखला को हम शुरू करते हैं प्रयास देपल, करूंगा देपल, थोड़ा सा अच्छा उत्कृष्ट हिंदी

कोई बहुत काम है कि मुझे है हिंदी से कोई प्रॉब्लम है जबकि मैं हिंदी में ज्यादा नेचुरली और कंफर्टेबली बोल पाता हूँ अंग्रेजी में जब मैं बोलता हूँ मेरी मात्र भाषा नहीं है हिंदी मेरी मात्र भाषा करो भाई ये मजबूरी हो लोग गालियाँ भी देते हैं इंडिया में रहना कहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ ऐसा जो बोलना है बोलेगा देते हैं तो अपन तो इंसान है सबको क्रिटिसिज्म तो होता ही है चलो सुमित सबसे पहला प्रश्न भाई, आ, मैंने तो लिख के रखा है What inspired you into pursuing engineering? आ, चलो। मैं मैं एक्चुअली बताऊं कि देख इंजीनियरिंग करने के लिए इंस्पिरेशन भाई मैं आज से कितने साल पहले की बात है 2005 की बात है जब मैंने एडमिशन लिया था इंजीनियरिंग कॉलेज में उस समय ना इंजीनियरिंग का कोई इंस्पिरेशन मेरे को था ही नहीं बताऊं फ्रेंकली स्पीकिंग मैं था घरवाले बोले कि बेटा मैथ्स के बाद क्या करते हैं इंजीनियरिंग करते हैं मैंने कहा ठीक है फाइन इंजीनियरिंग करते हैं क्योंकि तो उस समय का फैशन था इलेवन ट मैथ्स हो गया है मतलब बंदा क्या बनेगा इंजीनियर ही बनेगा तो इंस्पिरेशन ऐसा कुछ था ही नहीं यार मैं बताऊं बस पापा मम्मी ने कहा कि इंजीनियरिंग में जाना है मैं इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया हाँ ब्रांच लेते समय बस मैंने थोड़ा सा ना जब मैं भिलाई में था तो भिलाई में भैया के साथ था तो कई लोग थे इंजीनियरिंग वाले उनसे मैंने डिस्कशन किया था ब्रांचेस के बारे में कि सिविल में क्या होता है मैकेनिकल में क्या होता है तो मैंने ना सब्जेक्ट को थोड़ा बहुत देखा था तो मुझे मैकेनिकल थोड़ा अच्छा लगा था उस समय कि मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे ऑल तो मेरा ये सेट था कि मुझे मैकेनिकल लेना है लेकिन इंजीनियरिंग को लेके कोई इंस्पिरेशन नहीं था मैं इससे पहले ना तो किसी इंजीनियर से ज्यादा जानता था ना मिला था बस वही फैमिली प्यर प्रेशर अच्छा एक, इंजीनियरिंग करना है सत्य बात बताना अब जैसे हम दोनों ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ली कोई आइडिया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या है एक मतलब कुछ पहले से सोच के आए थे कि मतलब क्या होता होगा मतलब कुछ इमेजिनेशन था मैं बस दो मैकेनिक्स थोड़ा बहुत सिलेबस बाद में आया था लेकिन मेरे को मशीन्स के बारे में पढ़ना होता है और मेरा क्या हुआ मैंने सोचा इंजीनियरिंग मतलब सब कुछ प्रैक्टिकल होगा मेरे मन में ये चीज थी कॉलेज जाना

मुझे थोड़ा सा हुआ ये ये वह कहा आ गया ये तो नहीं हाँ। करना था मैं चाहता हूँ मानस देख इसमें ये भी है ना कि थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल का इंट्रोडक्शन हाँ ये इसमें हो सकता है कि तुम थ्योरेटिकल की क्लास भी लो लेकिन लैब में लो लैब में आधा घंटा उनको थ्योरेटिकल पढ़ा उसके बाद उनको मशीन की ओर ले जाओ कहीं ना कहीं मशीन को लेकर एक्सपोजर होना चाहिए बट पूरा प्रैक्टिकल भी मुश्किल है जैसे आई आई में भी होता है बेसिकली प्रैक्टिकल ही होते हैं हाँ, लेकिन लेकिन वहां पे वहां पे, पे भी पूरा हिसाब किताब गड़बड़ा गया है आजकल तो तो पे भी प्राइवेट में तो प्राइवेटिकल हो गया हाँ, क्या हाँ, हो मतलब... तो हाँ, वो तो है लेकिन देख पता है थ्योरेटिकल का भी रिक्वायरमेंट है यार देख बात ये सही है कि प्रैक्टिकल होना चाहिए लेकिन थ्योरेटिकल में ना आदमी फिर रिसर्च में जा सकता है जो है वो तो प्रैक्टिकल तुमको दिखा दिया जाएगा लेकिन उसके अलावा भी क्या हो सकता है तुम सोचो सोचोगे कैसे वो थ्योरेटिकल जब तक नॉलेज नहीं होगा ना क्योंकि हमको दस तक का पता है तो हम बाकी के दो या पांच भी सोच सकते हैं वो अपन थ्योरी पढ़ने से आएगा आ, मतलब क्या है तो वो आर डी कहना चाह रहा कि थ्योरी पढ़ने के बाद प्रैक्टिकल समझना आसान दोनों का, हो दोनों हो का का थ्योरी थे, पढ़ने के बाद प्रैक्टिकल समझने में आसानी होगी सेकंड आप रिसर्च करके और आगे की भी कुछ नई थ्योरीज बना सकते हो क्योंकि जितने भी रिसर्च हुए हैं पहले वो थ्योरेटिकल थे बाद में उसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हुआ तो वो हाइपोथेटिकल जो भी था वो उनके जो हाइपोथेसिस थे वो

मुझे ऐसा लगता है कि स्टाफ की बहुत दिक्कत है और जितने लॉज कुछ -कुछ है, है, है समझाना है तो पाँच पाँच, पाँच दस दस मिनट में वो चीजें कवर नहीं हो सकती अगर आप पाँच पाँच का भी बैच बना दोगे छ का बैच बना दोगे भी वो नहीं हो सकता तो कुछ एक अलग ही अप्रोच लेना पड़ेगा और मेरे ख्याल में यहाँ पे टीचर्स की संख्या बहुत कम है और स्टूडेंट की संख्या ज्यादा है अब तो ख्याल अब तो कम हो गया तो क्या टीचर्स की संख्या भी कम हो गई है टीचर्स में क्वालिटी भी कम हो गया है लैब को लेकर जो इंथुसम था वो भी और कम हो गया कॉलेजेस में जो इन्वेस्टमेंट का ऐसा समझते हैं हमारा इंसल्ट है इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया था डेढ़ साल वहाँ पे तो ये हालत थी ना जब इंस्पेक्शन होता था ना तब तो लैब खुलवा के वहां के झाड़ू पोछाई और धूल ऊूल साफ कराया जाता था वहां पे लैब टेक्नीशियंस नहीं होते थे तो बाकी कॉलेज से बुलाया जाता था पांच सौ रुपए पर डे के हिसाब से कि बस आपको खड़े रहना है इंस्पेक्शन के समय में बस खड़े होके दिखाने शक्ल कि आप हो ये हालत है कॉलेजेस की अभी तो प्राइवेट कॉलेज में तो भूल ही जाओ वो तो जो भी है वो तो अब बुरी हालत है अच्छा लैब टेक्नीशियन लेके आया ना मैंने ऐसा भी देखा है कि पूरा का पूरा लैब का सामान उठा करके एक नए रूम में डाल करके उसको नया नया लैब बनाया गया हुँ, भी हुँ, भी हुँ, बिल्कुल हाँ इंस्पेक्शन बस यही सब है। यही तो रीजन था ना कि इंजीनियरिंग की वैल्यू क्यों कम हो गई क्योंकि तो आपने जो इंजीनियर्स बना के मार्केट में निकाला वो कहीं से इंजीनियर्स थे ही नहीं वो बस पढ़ के रट के पास हो गए उनको सेशनल उनको टेस्ट सब कुछ हमने बैठा के दे दिया उसके पास ये, स्किल ये तो नहीं है नॉलेज नहीं है सुमित तेरे को ये ये कितना बड़ा रीजन लगता है कि जितने मैकेनिकल इंजीनियर्स की जरूरत थी डिमांड थी ऐसा नहीं।, नहीं लगा कि पिछले दस साल में सप्लाई उससे कहीं ज्यादा कर दिया गया नंबर ऑफ सीट उसकी बहुत, बहुत ज्यादा बढ़ा गई मतलब, नहीं, नहीं। मतलब वो क्वांटिटी बढ़ा दी गई लेकिन क्वालिटी पे कोई ध्यान ही नहीं दिया गया मतलब अभी भी ना लाले पड़े हुए हैं सबके अभी भी कोई प्लांट में जाएगा ना तो प्लांट को भी चाहिए कि अच्छे अच्छे इंजीनियर्स उनको मिले लेकिन उनको अच्छे इंजीनियर्स नहीं मिलते तो वो आई टी आई से काम चला रहे हैं अभी ये भी हालत है आई आई टीज और एन आई टीज में तो ये सीन है बच्चे फर्स्ट ईयर से ही कोडिंग कोई भी ब्रांच का हो या तो वो कोशिश करेंगे सेकेंड ईयर में हम ब्रांच चेंज कर लें सबको सीएस में जाना है आजकल ठीक है हमारे टाइम में सी एस मतलब इट बहुत बाद का ऑप्शन था तो तो इसमें मेरे इसमें में, मेरे को याद है कि इलेक्ट्रॉनिक्स यूज टू बी दस्ट चॉइसिकल फिर मैकेनिकल लोग लेते थे सिविल था वो सब तो बहुत सारी बातें करते थे लोग

Entrepreneur, अब तो है, ठीक <laughs> है, आ, है, आप एक बार में बोलोगे की सारी की सारी जो वेकेंट सीट है सबको भर दो एग्जाम करा करके तो लोग सबको भर दोगे और अगले साल फिर क्या होगा कितने और मुझे नहीं पता बाहर में 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 दूसरे देशों में, यूरोप में, यूएस में, अमेरिका में क्या चलता है वहाँ से नहीं ना, जो आपका है। कोई मतलब भी रखता करना चाहिए। अगर सही तो चाइना से करो भाई क्योंकि तो पॉपुलेशन और कैपिटा भी बहुत मैटर करता है जब आप कंपेयर करते कंपेयर पॉपुलेशन नहीं है काफी हैं। है, का है बिल्कुल आया, बिल्कुल आया, बिल्कुल आया। कॉलेज में पढ़ाता था तो बिलासपुर गया मतलब वहां पे जिसको देखो भाई पतली पतली किताबें लेके बैठा हुआ है सब में लिखा हुआ है पीएससी 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 तो हुआ तो वही ना कि सबको देखा मैं पीएससी पीएससी तो मैं पीएससी की बुक लेके उनकी बुक पढ़ना चालू किया तो एक आध दो बुक पढ़ा तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा यार हिस्ट्री जॉन कॉन्स्टिट्यूशन ये सब पढ़े वो लोग तो मैं ना खुद उसको पढ़ना चालू किया तो फिर मुझे वहां के लोग बोले कि आप भी प्रिपरेशन में आ जाओ फिर पीछे से पापा का भी फोन आने लगा कि बेटा सी में जा सीजीपीएससी का है तो बिलासपुर में रह के अगर आप सीजीपीएससी से इन्फ्लुएंस नहीं हुए तो फिर क्या रहे ये भी होता है तो और जैसे कॉलेज में जब मैं पढ़ाता था तो मेरा अच्छा खासा नाम था कॉलेज में

नहीं नॉलेज मुझे इंटरनेट से गूगल से बहुत मिला भाई ऐसा बात बस, नहीं है यूट्यूब से भी बहुत मिला हुँ, हुँ, और उसी नॉलेज को लेकर के आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं जो भी पहुंचे सही बात है सही और बात है, भाई मैं हमारे एक दोस्त का नाम नहीं लूंगा वो 2009 से आज तक तैयारी कर रहा है आज तक तैयारी कर, कर रहा है बहुत बहुत तो भाई मुझे ऐसी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है लोग आज बात कर मतलब ऐसी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है जिसप ऐसी रेस में मुझे दौड़ना ही नहीं है जो मैं नहीं जीत सकता मैं ऐसे रेस में दौड़ूंगा जिसमें मैं जीतूंगा जिसमें मेरे चांसेस नजर लगाएंगे

या तो तू तो कुछ जीत जाएगा एग्जाम निकल गया बिल्कुल या तो सीख जाएगा ये मेरे साथ हुआ है क्योंकि मैं सच सच्चे पर्सनल चाहता हूँ मान लो पांच साल सीख गया हुँ, अगर हुँ। वो काम नहीं करके सुमित वो कुछ और करता तो उसमें नहीं सीखेगा ठीक उसमें सीखेगा लेकिन वो क्या काम कर रहा है ना उसपे भी बहुत मैटर करता है कि वो क्या काम कर रहा है मतलब नॉलेज कभी भी ना खाली नहीं जाता ये बात तो फैक्ट है समझने इस बात को तू जब सीजीपीएससी जी की तैयारी में आया कर ब्रॉड लेवल पे नॉलेज मिलता है तो ब्रॉड लेवल पे नॉलेज मिलने से क्या होता है आप कई रास्ते जो आपके लिए नहीं है वो आप रास्ते बना लोगे ये भी होता है जैसे स्कीम गवर्नमेंट की कई स्कीम्स होती हैं जिनके बारे में हम या आम इंसान को नहीं पता होता लेकिन जब आप सी जी की तैयारी में आ गए हो तो आपको पता है कि गवर्नमेंट की स्कीम्स भी होती हैं तो आप जो कर रहे हो उसमें आप गवर्नमेंट की बेनिफिट से और भी कुछ अलग कर पाओगे अच्छा कर पाओगे हम जब बात करते हैं तो हमारे बोलने के कंटेंट ही चेंज हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन अवर नॉलेज लेवल नहीं नहीं वो तो, तो तब काम में आएगा जब परीक्षा में सिलेक्शन होगा उसके बाद जब आपकी नियुक्ति होगी देख परीक्षा में सिले, सिलेक्शन नहीं भी होगा ना तो भी आपकी बातें बदल जाएंगी पता है हम इतना स्ट्रगल जैसे इंजीनियरिंग वालों के साथ क्या होता है ठीक है मैच्योरिटी इंसान में मैच्योरिटी आ जाती है ये बात ढंग हाँ एक ना जैसे बड़ी किताबों से फर्क नहीं पड़ेगा तो बड़ी ठीक। किताबों से फर्क नहीं पड़ेगा बड़ी दिक्कतों से भी फर्क नहीं पड़ेगा अग्री ये, ये, ये बात मानूंगा पढ़ने से <laughs> एक लेवल तो आता है सुमित थोड़ा सेशन को और आगे बढ़ाएंगे अपन अब बात करेंगे फर्स्ट ईयर से ठीक है फर्स्ट ईयर पे तो मैंने लिखा है जर्नी ईयर डूज एंड डोंट्स अब मुझे आप तुम बताओ मेरे भाई मैं तो डेस्की था डेस्की पता नहीं ये। बच्चे लोग नहीं वर्ड, नहीं। ये वर्ड डे डे बेसिकली को होता है हम ने है। तो हमारा जो कॉलेज था, था।, था मेरे सिटी में ही था तो भाई मैं तो टेम्पो करके पहुंचता था कॉलेज है ना घर से एक जगह जाते थे चौक पे हम लोग सारे के सारे इकट्ठा होते थे वहां पे सिर्फ टेम्पो पकड़ के कॉलेज भागते थे हम लोग ठीक है हमारा कॉलेज है आर आई टी रायपुर रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सुमित भी वहीं पे पढ़ा है सुमित है हॉस्टलर तो हॉस्टल जो है कॉलेज <laughs> कैंपस में रहता है <laughs> अब कैंपस भाई है। डे स्कॉलर का लाइफ तो मेरे हिसाब से कॉलेज लाइफ कुछ नहीं है एक प्रकार से जो कॉलेज में रहा थोड़ी देर रहा हॉस्टल की जिंदगी अलग देर होती है, है भाई अब मेरे को बताओ कैसी होती है वो जिंदगी और क्या करना चाहिए क्या अवॉइड करना चाहिए अब तू बता मेरे भाई देख मैं सही बताऊ मेरी लाइफ थोड़ी अलग थी क्योंकि ना मैं हॉस्टल या कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले ना उसके पहले से ही मैं तीन साल कॉलेज लाइफ जी रहा था मेरी लाइफ थोड़ी अलग है मैं बस यही बताता हूँ एक तो इलेवेंथ ट्वेल्थ कोटा में था मैं तो मैं था जो चीजें इंसान कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में सीखता है ना मैं इलेवेंथ ट्वेल्थ में सीख चुका था ठीक जब मैं कोटा से निकल के भिलाई गया तो भिलाई में, में मेरे घर वाले मुझे एक भैया के पास छोड़े भैया इंजीनियरिंग कॉलेज में थे तो मैं वहां पे इंजीनियरिंग वालों के बीच रहता था भिलाई के जितने कॉलेजेस है वहां उनके बीच रहता था तो मुझे वहीं से समझ में आ गया था कि इंजीनियरिंग में होता क्या है बेसिकली तो जितना कुछ सीखना था जो बच्चा फर्स्ट ईयर में सीखता है मैं सब कुछ सीख सिखा के फाइनली मैं पहुंचा कॉलेज के फर्स्ट ईयर में अब तुझे जब मैं हिट बताता हूँ तो तो क्या, क्या सीख क्या है फंडा सीख गया क्या तेरे को बताओ आजकल के बच्चे भी जाने की अच्छा रैगिंग क्या होता था इस पर भी आएंगे ना हम लोग थोड़ी देर में हाँ, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, की हाँ? तो बड़ी खतरनाक होती थी, हाँ, थी, थी। रैगिंग जो है वो मैंने वो वो कौन सा डे होता, होता है ना हम लोग का जब थर्ड ईयर सेकंड ईयर में।, में स्टेप करते हैं हम लोग की जो फ्रेशर्स पार्टी हुई थी उसमें लगभग सत्तर अस्सी थप्पड़ मैंने खाए थे इतने मारे थे उन्होंने एक सीनियर तो इतना मारा था इतना ड्रंक था वो कि मारते मारते उसका सुसु निकल गया <laughs> तो उसको वो मारते मारते मतलब गिर गया बहुत मार दिया था वो बहुत, बहुत मार दिया बहुत था तो ऐसा ना हो कि मेरे साथ कुछ हो जाए गलत भैया मतलब कुछ मैं ही बेहोश हो जाऊँ उससे पहले वही गिर गया मारते मारते अब होश नहीं था उसको अब अब होश इतना भी होश नहीं है कि भैया अब उसके ब्लैडर को भी कंट्रोल नहीं है ये स्थिति मैं अब नहीं रुकूंगा क्षमा चाहता हूँ क्षमा नहीं, नहीं मैं तेरे को बता रहा हूँ बहुत अलग था मेरा सीनियर बहुत अलग था मैं को सही बता रहा हूँ इसलिए अलग टाइप की लाइफ शायद है, मैं ना, भी शायद है कि मैं अभी एक और तेरे को याद होगा की अब मैं तेरे यहाँ ही था फिर वहां से हम कॉलेज के ऑफिस में पहुंचे थे वहां से हम लोग बस पकड़े थे स्टार्टिंग डे वन जो था हमारा कॉलेज का तो डे वन तो मैं तेरे साथ गया था शायद सेकेंड डे था और मैं कॉलेज की बस को मिस कर गया था तो मुझे एक बस खड़ी थी मैं जाके उसमें बैठ गया था अब देख कॉलेज का पहला दिन बच्चा कितना एकदम नहीं होता है डरा हुआ सा सीधा साधा बच्चा होता है मैं चौड़े में हूं क्यों दो साल कोटा में रह के आया हूँ एक साल भिलाई में हूं तो मैं तो पहले से चौड़े में था बाहर रहना आता है मुझे कैसा होता है मैं फुल चौड़े में बस में बैठा बस में पूरी पब्लिक बैठी हुई है एक बंदा बैठा है उसके बाजू में जाके बैठ गया फुल चौड़े में ठीक है अच्छा मेरे कॉलेज का एक सीनियर था जो मेरा बैचमेट था रजनीकांत तुझे याद होगा hmm. हाँ कॉलेज का मेरा बैचमेट स्कूल का बैचमेट वो कॉलेज का सीनियर तो मैं वैसे ही <laughs> चौड़े में की भाई सीनियर अपना बैचमेट रह चुका है फुल चौड़े में गया बस में जा रही है बीस किलोमीटर का सफर है बाजू वाले से मैं क्या पूछ रहा हूँ कि भाई उसको पूछा मैं कि आप कॉलेज जा रहे हो तो हाथ में कुछ कॉपी वापी नहीं है आज ऐसे जा रहे हो क्या खाली हाथ वो मेरे को पता है क्या जवाब देता है वो मेरे को जवाब देता है कि आपको पता होना चाहिए कि आप स्टाफ बस में बैठे हुए हैं। <laughs> तो मैंने अगल बगल देखा, भी देखा भी तो बैठा है <laughs> नहीं, समझ नहीं। और तो बैठी होंगी साड़ी वाड़ी पहन के आ, नहीं वो सूट वूट पहन के बैठी थी सब मैं एकदम चौड़े में गया भाई खसक बैठा मैं क्या खाली हाथ बैठा है कोई कुछ लेके लेके नहीं आया पेन मैं अपना बैग रखा मुझे अगला बोलता है की आपको पता होना चाहिए आप स्टाफ के बस पे बैठे तब मेरे को समझ में आया कि भैया अगल बगल सब टीचर लोग है प्रोफेसर लेक्चर लोग है तो मैं शांत होकर पहुंचा कॉलेज में गया तब मेरे को ना रैगिंग का उतना आइडिया नहीं था कि कॉलेज में रैगिंग कैसे क्या होती है कॉलेज जब पहुंचा ना तब देखा कि लाइन लगी है हम लोग को सर झुका के एकदम अपने थर्ड बटन को देखते हुए चलते जाना है और वहां जाके कॉलेज में बैठे तब मेरा दिमाग घुमा कि भाई ये कहा आ गया मैं क्योंकि कोटा की लाइफ भिलाई की लाइफ तो मेरी एकदम जन्नत थी और अब सलाभ पापा भी कहाँ डाल दिए मेरे को अरे सुमित एक ए, 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 थोड़ा सा रुकूंगा एक, एक बीच हाँ में हाँ। एक और चीज फिलर मटेरियल डाल रहा हूँ अच्छा इसी बीच जब फर्स्ट ईयर हम लोग का स्टार्ट हुआ था तो रायपुर में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हाँ। गीची, 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 जो गीची, अब एन बन गया एन आई टी रायपुर बन गीची, गीची, गया, गया। हाँ, हाँ। तो वहां का पेपर में भास्कर के फ्रंट पेज में जो तो सारे बच्चे कॉलेज में हीरो वाली साइकिल ऐसे पकड़ करके बैठ के नहीं खुद चल के साइकिल चल के जा रहे हैं और वो झोला टांगे साइड में सुन दो झोला तो टांगे और पैंट को मोजे के अंदर घुसा के <laughs> मोजे के अंदर घुसा हुआ है और सीधा थर्ड बटन ये थर्ड बटन आ, में देखते हुए अंदर जा रहे हैं तो आ, ये था भाई हिसाब किताब रायपुर में एक समय पे रैकिंग का मतलब बहुत और कुछ गंदा, बोलने बहुत गंदा। मतलब ऐसी बिना इधर उधर देखे

हॉस्टल में तो बहुत बहन ध्यान रख मतलब हॉस्टल में कैसा हुआ अब सीनियर्स आए ठीक है सीनियर्स आए वो हम लोग को लाइन से खड़ा कर दिए मैं ऐसे खड़ा हूँ और देखना कहा है थर्ड बटन तो सामने वाले को तो तुम देखे ही नहीं हो बस एक आवाज सुनाई देती है आवाज भी क्या अगला आएगा और क्या पूछेगा कि बता मैं कौन हूँ साला ना तुमको मैं कभी देखा ढंग से ना कभी तुमसे बात हुई मुझे क्या पता तुम कौन हो यहाँ पे हाँ निगाह है वो पूछा बता मैं कौन हूँ भाई नहीं बता पाया घुमाओ कि एक जहा पड़े यहाँ पे पहला थप्पड़ अच्छा, गुस्सा आया नहीं? कि कि नहीं घुमा के गुस्सा रोना सब आ गया उस समय कि भाई मेरे लाइफ के साथ हो गया, गया मेरे, ये थोड़ी करने आया था कहाँ कोटा लाइक घूम रहा था क्या <laughs> मस्त लाइफ थी मेरी ये आ गया मैं वो मेरे को बहुत चेंज कर दिया पता है वो एक टर्निंग पॉइंट हो गया था हॉस्टल से मैं भाग गया था तेरे को पता है इसीलिए तो तो को पता है तीन महीने में हॉस्टल से भागा हुआ था तू भाग गया था हॉस्टल तो नहीं तो मैं कर रहा था बाहर। <laughs> नहीं भाई फर्स्ट वही तो हुआ ना कॉलेज का पहला दिन भाई पहली बात तो कॉलेज का माहौल देखा गर्मी का मौसम रायपुर में एकदम गरम गरम टाइप का और अपन भाई मैकेनिकल में एडमिशन लिए तो तू भी समझ रहा है वहां पे तो जेंडर रेशियो भी बहुत बेकार कुछ इंटरेस्ट के लिए कुछ हो ही नहीं पा रहा था मैं सही बताऊं एक तो कॉलेज का टेंशन हम लोग को बजरंगी बोलते थे ये लोग बजरंग दल हैं बजरंग दल हैं मैकेनिकल वाले हैं ऐसा है बजरंग दल है। टीका लगा के घूमते हैं ऐसा इमेज हो गया था मतलब ब्रह्मचारी है

पढ़ाई तो छोड़ पढ़ाई के लिए कौन जाता था मतलब ठीक है पढ़ाई तो करनी बात थी वो अलग बात है उस समय का माइंडसेट एक लड़के का क्या होता है यार कॉलेज में कोई मजा नहीं आ रहा है सुबह से लेके बैठे हैं शाम तक भूख लग रही है कुछ भी इंजॉयमेंट नहीं वापस जाओ हॉस्टल तो वहां पे मार खाओ थप्पड़े खाओ एकदम दहशत की जिंदगी और मैं इसके पहले तीन साल क्या जीवन जी रहा था यहाँ आने के बाद क्या हो गया इस चक्कर में क्या किया मैं मैं कॉलेज मिस करना स्टार्ट कर दिया फिर मैं आ, मुझे याद है मेरा एक्सीडेंट हो गया था हाथ का हाथ का फ्रैक्चर हो गया था कुछ कुछ स्टोन्स की दिक्कत आ गई थी किडनी में तो उसके ट्रीटमेंट के लिए मैं छुट्टी मार के गया सिटी घूम रहा हूँ वहां ज्यादा मजा आ रहा है मतलब अस्पताल में सुबह से शाम बिता दिया वहां ज्यादा मजा आ रहा है ना कि कॉलेज में हॉस्टल में ये तो हालत थे मेरे तो मैं इसमें क्या हुआ कि मेरा पहला साल ऐसे ही चला गया पहला सेम मतलब छह महीना बस बाहर घूमते फिरते बिता दिया एग्जाम के समय जो भी पढ़ाई वढ़ाई हुआ जब एग्जाम की फॉर्म भरने की बारी आई ना तब मेरे को पहली बार टेंशन हुआ एग्जाम के फॉर्म भरते समय वहां पे हुआ अटेंडेंस का चेक होगा अब मुझे नहीं पता कि अटेंडेंस भी चेक होता है तो वहां पे अटेंडेंस चेक हुआ अटेंडेंस शॉर्ट हो गई तो अब सब लोगों ने कहा कि भाई तू तो एग्जाम नहीं दे पाएगा तो मुझे पता चला नया नया डिटेन होते हैं डीबार होते हैं ये सब सीन हो गया था तो मैं बोला कि अब कैसे किया जाए तो मैं गया वहां पे याद और को याद है यादव जी यादव सर के पास पहुंचे वहां पे अटेंडेंस देखे तो बताया कि भैया आपका अटेंडेंस इतना शॉर्ट है फाइन लगेगा ये मतलब हाँ, मतलब बिल्डिंग कैसे खड़ी होगी भाई तुम अगर फाइन नहीं दोगे तो हाँ बिल्कुल तो अटेंडेंस शॉर्ट हो गई अगले को मैंने फाइन दिया सब सही हो गया एग्जाम का फॉर्म भरे एग्जाम दे दिए तो मैं बोला भाई चल यही सही है तो बस अपने को ना एक सेटअप समझ में आ गया कि बस यही करना है बस वहां से ना मेरा गड़बड़ चालू हो गया पहला सेम हुआ मेरे तीन बैक लगे पढ़ाई वढ़ाई तो उतनी खासा हुई नहीं थी तो मौज मस्ती और दहशत में ही जीवन जा रहा था पहला सेम तीन बैक लगे तीन में मेरा निकल गया था अच्छा किस में किस में बैक लगाइए बता आ, पहला सेम मेरा ईडी में लगा था और

नहीं करके कुछ ऐसा होता था वो सेकंड सेम में था क्या बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग में 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 कि बेसिक बीएमई हम लोग का इंजीनियरिंग में था अभी याद नहीं मेरे को इतने सालों हो गए मुझे इतना याद है तीन पेपर में मेरा बैग लगा था लेकिन पता है एक अजीब सी बात बताऊंगा मैं जो भी बहुत मैटर करता है जो भी अभी देखेंगे ना इस वीडियो को या आगे चल के स्टूडेंट या पेरेंट्स ये चीज समझेंगे ध्यान से तेरे को पता है लोगों को बैक लगता है तो लोगों को बहुत टेंशन सबसे पहले क्या होती है कि घर पे क्या बोलेंगे भाई सबसे पहले हमको टेंशन क्या होता है कि घर वाले चिल्लाएंगे पापा मम्मी चिल्लाएंगे मेरे यहाँ पे मेरे पापा मम्मी बेचारे इतने मासूम थे कि उनको इंजीनियरिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं था उनको पता ही नहीं था कि साल के बीच में भी सेम होता है वहां पे एग्जाम हो जाता है एग्जाम हो गया रिजल्ट आ गया तीन बैक लग गया मेरे घर वाले को पता ही नहीं कि बैक का मतलब क्या है अबे तो तू तो बताएगा तू तो? मैं बताया उनको कि बैक लग गया है तो, तो? पापा मम्मी पूछे कि फेल हो गया मैंने कहा नहीं नहीं फेल नहीं हुआ है बैक लगा है तो कमीना है ना तू अबे किससे मिलेगा बैक लग हुआ। गया मतलब कोई कोई सम्मान थोड़ी मिला है उसका टेंशन था कि पापा मम्मी कुछ नहीं बोले अब देख मैं भी ना इसको फेल नहीं समझ रहा था मैं आज तक ट्वेल्थ तक में कभी फेल नहीं हुआ था टेस्ट में भी कभी फेल नहीं हुआ था तो मेरे को फेल होने का था टेंशन लेकिन वहां पे कोई फेल बोलता ही नहीं था मैं तो बोलता हूँ कि अभी नाम चेंज करके उसको फेल बोलो तब बच्चे के दिमाग में समझ में आएंगी चीजें मैं क्या समझा मैं मुझे लगा कि बैक लगा है बैक लगा है मतलब अभी नहीं निकल पाया छह अच्छा महीने बाद एग्जाम तो निकल जाएगा मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई मैं बोला भाई ये तो बहुत अच्छी बात है कोई दिक्कत नहीं है तीन पेपर अगले सेम में पहुंचे अगले सेम में पहले के छह थे तीन ये नौ हो गए अब वहां पे और टेंशन चालू हो गई बहुत कुछ हुआ तेरे को पता है ना मेरे सेकंड सेम में क्या हुआ था क्या हुआ था तेरे साथ सेम सेम में पहुंचा 2006 की बात है ना सेकंड सेम में मेरे को पता था कि भाई कॉलेज नहीं जाऊंगा तू भी चलेगा आखिरी में क्या फाइन दे देंगे अपन हो जाएगा उसी समय मेरी एक दादी थी जो हॉस्पिटल में एडमिट थी उनकी वजह से बहुत हॉस्पिटल जाना आना बहुत हो रहा था और कॉलेज में मेरे को मजा नहीं आता था हॉस्पिटल में बहुत एंजॉय कर रहे थे चार चलो के साथ अपन घूमना फिरना बहुत हो रहा था प्लस हॉस्टल से मैं तीन महीने के लिए भागा था क्योंकि रैगिंग होती थी भागा था तो ऐसा भागा था कि स्टेशन पहुंच जाते थे स्टेशन में जो गाड़ी आगे ट्रेन में बैठ के कहाँ जा रहे हैं कहीं भी निकल गए कुरबा चला गया कुरबा में कौन रहता है पता नहीं एक हफ्ता कुरबा में वहां से निकल के कहा जाएंगे रायगढ़ कहीं भी भाग रहे हैं अपन क्यों मार नहीं खाना है सीनियर से रैगिंग से बचना अरे इतना तू मेरे को कभी नहीं बताया उस समय की इतना आतंक था अरे बहुत मैं मैं ना हमारा एक दोस्त था शायद ध्यान हो अभी नाम ले सकते नहीं ले सकते बड़ा अच्छा बंदा नाम मत ले किसी का कोई नाम मत ले पर चल ठीक है ठीक एक दोस्त था लोग, एक एक महीना हुए हैं, बस खाने की कर हैं और बस उसी के कमरे में रहना पार्टी करना उसी के यहाँ पड़े रहना कॉलेज नहीं जाना हॉस्टल नहीं जाना क्यों क्योंकि रैगिंग होगी इस चक्कर में सेकेंड सेम तो हमारी ऐसी तैसी हो गई सेकेंड सेम का एग्जाम हुआ भाई अब नौ पेपर हो गए छह अभी के तीन पहले के नौ पेपर में से तीन जो था उसमें से एक निकला दो एज इट इज रह गया बैक और जो सेकंड सेम का चार था छह उसमें से बस दो निकला चार में बैक आ गए अरे मतलब मेरे हो बैक हो गए अब हिट सुन अटेंडेंस शॉर्ट तो एग्जाम का फॉर्म भरने की बारी आई सेकंड सेम की तो बात है ना सेकंड ईयर की बात है यार तो याद भी नहीं आता सेकंड सेम हो गया कुछ बचा है कुछ नहीं, बचा है, है फर्स्ट ईयर के थोड़ा सा बचा है कि फर्स्ट ईयर खत्म होते तक मेरे पास बैक थे और फर्स्ट ईयर मेरा खत्म हो गया भयानक टाइप से खत्म हो गया और ऐसी स्थिति थी, थी कि अब लोग ना मेरे को चढ़ाना चालू किया कि भाई के तो बैक लगते हैं भाई भाई तो छे -छे बैक लगता है तो जो इंसान को बैक लगने से डरना चाहिए मैं बैक लगने पे चौड़ा हो रहा था क्यों सबसे पहले टेंशन भाई मम्मी पापा को उतना टेंशन नहीं है मम्मी पापा को समझा दूंगा कि अरे फेल नहीं हुआ है बैक लगा है वो तो ऐसे ही है

आप फिर से आप निकल रहा है मेरे मुंह से तू बोल रहे हाँ <laughs> वाकई में आपको सही ट्रैक में लाने का प्रयास करते हैं अगर करते हैं तो उनका नाम जरूर लेना जो नहीं करते होंगे मत करना कितना सपोर्ट मिलता है जब आपके बैकलॉग लगते हैं आपके सीनियर से क्या सपोर्ट मिलता है थोड़ा सा इस चीज में डालो अब मैं आपने ये डेटा तो दे दिया भाई कि पहले साल खत्म होते होते मेरे लग गए छः बैक कुल बना के बारह पेपर में से छः बैक थे ठीक तो है बैक। अब अपन आगे चलेंगे और पूरे जानना चाहेंगे कि आपका बी कितने साल का हुआ और कितने टोटल बैक लगे और जो कुछ भी हो रहा था उसका कारण कौन था ठीक है अपनी जर्नी मेरे भाई सुमित एकदम नी बिल्कुल कैंडिडली आप बताओ कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल 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 अभी देखना मैं बताऊंगा और मैं एक्चुअली सबको ये कि ना, life, कैसे समझना पहली बात ना भाई किसी के मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है आपको खुद को ही संभालना पड़ेगा सामने वाला आपको जो भी बोलेगा बस वो बोल सकता है कुछ कर नहीं सकता तो पहली बात ना चीजें इतनी बड़ी होती नहीं है हम उसको बहुत बड़ा बना देते हैं केवल अपने मानसिकता की वजह से कैसे मैं बताता हूँ अभी थर्ड सेम आ गया सेकेंड सेम तक मैंने फाइन दे, दे काम चला लिया तो मुझे एक चीज़ दिमाग में बैठ गई थी कि भाई कॉलेज नहीं आओ तो भी चलेगा ठीक है थर्ड सेम थर्ड सेम में भी अपन ही भाई कॉलेज वाले जाना नहीं था छह बैक है उससे कोई टेंशन नहीं है और बैक ही है ना छह महीने बाद एग्जाम देके निकल जाएगा यही मानसिकता थी अपनी लापरवाही तो आ गई थी दिमाग में तो थर्ड सेम के टाइम पे भी यही हुआ अटेंडेंस बहुत शॉर्ट हो गई अब रायपुर में हूं मैं तो मेरे फैमिली से कई लोग रिलेटिव आते थे उनको किसी का मेडिकल चेकअप है किसी का कुछ है मैं उनके साथ ही घूमता था कॉलेज जाना होता नहीं था अच्छा हॉस्टल भी मैंने छोड़ दिया था सेकेंड ईयर में मैं फर्स्ट थर्ड सेम के समय पर मैंने एक रूम ले लिया था बाहर सिटी में आ गया था सिटी में आया ना मैं शंकर नगर वाले हाँ शंकर नगर वाले में वाह तो सिटी की लाइफ मस्त लग रही थी मुझे भाई फुल एंजॉय हो रहा था थर्ड सेम के अंत तक में क्या हुआ एग्जाम का फॉर्म भरने की बारी आई अटेंडेंस शॉर्ट मैं यादव जी के पास गया मैं बोला भैया कितना फाइन लगेगा बताओ उसने कहा कि टेन थाउजेंड लगेगा फाइन मैंने घर पे बात किया घर वालों को घर वालों से बहुत डांट पड़ी जो भी करके रिक्वेस्ट करके मैं वहां पे फाइन दे दिया दस रुपए का उसके बाद जब एग्जाम का डेट आया एग्जाम की डेट के एक हफ्ते पहले तो याद होगा सेवेंटी फाइव लोगों की एक लिस्ट आई थी जिनको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा क्योंकि उनका अटेंडेंस शॉर्ट है उस एग्जाम उस लिस्ट में, में मेरा भी नाम आ गया ठीक मतलब बेसिकली अटेंडेंस की वजह से मुझे कर दिया गया डिटेंड एक साल के लिए तो ऐसा, अब यह है कि सही में हुआ था में, सही में हुआ था हाँ

अब मेरे आसपास के जितने लोग हैं वो अभी एक हफ्ते बाद अपने एग्जाम देंगे हुँ. और मैं एग्जाम नहीं दे सकता कहीं कही ना कहीं मन में खुश भी हो गया मैं कि अच्छा है एग्जाम नहीं देना पड़ेगा लेकिन मुझे इस बात की टेंशन बहुत हो गई थी कि मैं एक साल पीछे हो गया समझ रहा है अब हुँ. अगले साल में कॉलेज में बैठूंगा तो मैं अपने जूनियर्स के साथ बैठूंगा हुँ. अब ये चीज बहुत दिमाग में कचोटने लगी तो मैं रायपुर छोड़ के मैं चला गया भिलाई भिलाई में मैं रहा वहां पे तो याद होगा मेरे भैया लोग थे भिलाई में याद है ना भिलाई में भैया लोगों के साथ मैं वहां पे रहने लगा तो देख जो होता है अच्छे के लिए होता है या आप उसमें से पॉजिटिव कैसे निकाल सकते हो ये मैं बता रहा हूँ ठीक है जब मैं वहां रहने लगा तो मुझे वहां पे एक मेरे भैया मिले एक पहचान के अपने अंबिकापुर कहते हैं वो भैया मिले उन्होंने मुझे ना एक उस समय नया नया कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आई थी उसके बारे में बताया कि नेटवर्क कंपनी मार्केटिंग से जुड़ वहां पे ऐसा ऐसा है ये वो है ठीक है तो मैं उसमें <laughs> जुड़ गया देखो याद है? इसी की कमी थी बस आजकल भी लोग लोगों का आज, आज तक कट रहा है ना उस सब में, में देखो वालों का कट चुका है आज के समय में उस समय में बहुत फर्क हो गया है उस समय ना मेरे को उससे पता है बेनिफिट क्या मिला अरे तुम मेरे को जानता था अरे सुनना तू ऊपर जुड़ गया होगा तो तेरे को मिल गया बाकी अधिकतर लोगों का कटता ही है में। चल, तु, 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 दो हजार छ की बात है दो हजार छह में ना मैं एक कंपनी थी उसमें जुड़ गया ठीक है और मेरे साथ ये था ना कि मैं थोड़ा बहुत डिप्रेशन के फेस में था लाइफ में कुछ नहीं था और एक तो याद होगा मैं बहुत दब्बू टाइप का था मतलब ना ज्यादा बोलना लोगों के सामने बोल पाना ये सब मुझे नहीं आता था क्या बात कर रहा है वो, अच्छा, वो, तुम्हें वो, को वो, के बाद तो था ना वो तो मैं था तो मैं था।, तो कहा था भाई तू मैं तारी कहा तारी बात कर पाता था लोगों के साथ में नहीं नहीं टेंथ तक तो मैं महादब्बू था लेकिन इलेवेंथ ट्वेल्थ में भी फर्स्ट ईयर में भी ना मेरे को अपने दोस्तों के बीच बोलना आ गया था

तो को याद है उस उस समय कंपनी का एक फंडा होता था कि जो भी इतने इतने पैसे कमा लेगा वो बाइक खरीदेगा और बाइक करिज्मा उस समय का करिश्मा तो... मतलब भाई करिज्मा हीरो होंडा करिश्मा किसी के पास है मतलब क्या बात है अलग ही हो गया था तो मैं अपने उस जमाने में तेरे खुद के पैसे से करिश्मा लिया था मतलब देख उस समय क्या हुआ था कुछ पैसे मैं लगाया था कुछ पैसे वापस लिया था लेकिन ये था कि हाँ मैं लायक बन गया था कि मैं बोल पाऊँ कि मेरे को करिश्मा लेना है मेरे पास भी कुछ फंड है मैं बहुत पैसे उड़ा रही था ना उसमें पैसे कमाया था मतलब ऐसा होता था, था, था कि हर हफ्ते चेक आ रहे हैं भाई तीन तीन हजार के उस समय बहुत बड़ी बात होती थी अरे बीच में ने... नेपाल घूमने गए थे नेपाल में भी नेपाल जाने से पहले पैसा है नेपाल से वापस आया था जो एक साल के लिए हुआ था उसमें मतलब तू तू एक प्रकार से बन गया है हाँ उस समय मैं पहली बार हुआ एक साल के लिए ना मैं बिजी हो गया था <laughs> मतलब मैं खाली नहीं बैठा था मैं गजब व्यस्त हो गया था मतलब भाई मीटिंग हो रही है अपनी यहाँ मीटिंग वहां से मीटिंग लेना है नीचे मेरे डाउन लाइन आ रहे हैं मेरे कॉलेज के सीनियर मेरे नीचे जुड़ के मुझे हेलो सर गुड मॉर्निंग सर कहते हैं कहानी बहुत जोरदार है फिर 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 सुन तो हाँ तो ये हुआ तो मैं ना ऐसा बोला था कि अब ना मैं जब कॉलेज आऊंगा ना वापस से

तो अक्टूबर से वो चलता गया जून आ गया जून में सेशन खत्म हो गया सेकेंड सेम भी खत्म हो गया जुलाई से अपना थर्ड ईयर चालू होने वाला था कायदे से तो मैं बोला था कि भाई अब मैं आऊंगा तो अपने करिश्मा से आऊंगा और उस समय मैं ऐसा माहौल बना दिया कि वो लोग मुझे बताए बाद में मेरे बैचमेट लोग मुझे बताया कि भाई ये तो अलग ही हो गया था हाईवे तो को पता है तेली बांधा से हाईवे अपने कॉलेज का सारे बच्चे ऑटो में बाइक में अपनी जा रहे हैं और उसके बगल में उस समय करिश्मा का अलग माहौल था उस समय करिश्मा में मैं पीछे एक बंदा बैठा हुआ है और 120 की स्पीड में सभी ऑटो वाले को जन्न जन्न पास करते हुए कॉलेज एक करिश्मा में अरे माहौल हो गया बिल्कुल तो मैं ये सोचा कि चल भाई हुए तो हुए लेकिन अगर नहीं हुआ होता ना तो मेरे पास एक साइकिल थी मैं वो साइकिल में घूम रहा था पहली चीज सेकंड जो उस छह महीने में मैं सीखा ना जो लाइफ में जिया जो लोगों से मिला जो एक मेरे को अपने अंदर एक टैलेंट समझ में आया कि मुझे लोगों से बात करने आता है मैं एक साथ सौ लोगों को बैठा के उनसे बातें कर पाऊंगा मैं एक कन्विंस करने की एक है टेंडेंसी जो तो बाद में बहुत मैंने डेवलप की लेकिन उसके पहले झलक मुझे उस समय दिखाई दी कि मतलब ना कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन स्किल है मुझ में जो मैं आगे डेवलप कर सकता हूं इवेंचुअली तो इसलिए मैं कहता हूं कि ना डिटेंड हुआ तो ठीक था मतलब बहुत नुकसान नहीं हुआ एक साल का नुकसान हुआ वो तो ऑब्वियस सी बात है लेकिन बहुत नुकसान नहीं मानूंगा मैं इसको हुआ ठीक है तो फाइनली मैं थर्ड ईयर में पहुंच गया मेरा सेकंड ईयर तो डिटेंशनशिप में चला गया मैं वापस से पहुंचा अपने थर्ड सेम में मेरे जो बैचमेट थे वो फिफ्थ सेम में थे और मैं अपने जूनियर्स के साथ था तो एक साल ऐसे ही खत्म हो गया मेरा तो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ इसके बाद अब सेकंड सेम था वो वाला साल मेरे को इतना अच्छा याद नहीं क्योंकि नया नया बाइक लिया था तो अपन माहौल में ही थे कॉलेज आना जाना होता नहीं था हाँ अटेंडेंस hmm. की वजह से बस इतना ध्यान देते थे कि आखिरी आखिरी में जाके प्रोफेसर लोग से मिल लो कि भाई अटेंडेंस को देख लेना आप ये वो करके ये चीज समझ में आ गया था तो अच्छा ये भी था तेरे को पता है मैं डिटेंड हुआ था मेरे साथ में एक अपना दोस्त वो भी हुआ था डिटेंड लेकिन वो अपना हाथ का नस काट लिया था अरे स्कैंशन की वजह से हाँ अरे डिटेंट हो गए थे हम लोग हम लोग रात को बहुत एकदम टेंशन में डिप्रेशन में थे तो हम लोग घर आके सो गए तो बाकी लोग भी सो रहे थे अब मैं तो सो गया वो साला ब्लेड से नस काट लिया था को तो अपनी तो ऐसा नस काटा कि रात को उसको हॉस्पिटल ले गए वहां पे टांके लगे हैं उसको स्टिचेस लगे हैं और अच्छा खासा पट्टी वट्टी बंद गया था क्यों क्योंकि डिटेंड हो गया था तो अपने बिजनेस में उसको भी लेके आया था मैं

अलग लेवल का है भाई वो लेवल का। पास के के तो को हम... दिखना चाहिए चाहिए ये अगर ऐसा इतना समझ में आना बंदा तो हम, हम उसको है। बता है। तो देख दो टाइप के ना चीजें होती है कि आप अपने सिचुएशन को कैसे लेते हो मैं और वो हम दोनों साथ में डिटेंड हुए थे वो नस काट लिया था लेकिन मैंने उसको एक अपॉर्चुनिटी समझा था चल कोई नहीं उसमें मैं उसको भी शामिल किया बाद में उसको कोई रिग्रेट है वो भी एक साल साथ में मेरे कुछ महीने फुल एंजॉय किया काम किया वो भी बिजनेस में था वो भी कमाया वो भी नाम कमाया वो भी बढ़िया मतलब अच्छा था उसका भी लाइफ चलो बढ़िया तो था अब तुम दो साल हो चुके हैं एक ईयर खत्म हो चुका है छह बैकलॉग तुम्हारे रिमाइंडर हैं अब तुम में जा। अब मैं और जिस ईयर में डिटेन हुआ था

सारा गर्मी बहुत है पढ़ने में मन नहीं कर रहा है तो एक काम करते हैं ये दो दे देता हो ये चार को अभी नहीं दूंगा अगले बार देंगे तो, तो उसमें वो कैरी फॉरवर्ड होते गए होते गए होते गए मेरे बाईस पेपर हो गए थे कितने बाईस <coughs> मैं पास बाईस पेपर बाय द एंड ऑफ व्हिच ईयर बाय द एंड ऑफ आई थि� बारह बारह का पेपर देते हैं बारा दूसरे में, है, हाँ। में बारह चौबीस हो गए तीसरे हुँ, में, में थर्ड फिफ्थ और सिक्स में कितने कितने पेपर होते रहे छह छह ही होते पाँच पाँच बारह 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 छत्तीस तो छत्तीस पेपर में तूने मात्र कितने निकाला रे बारह नहीं बारह कहा यार चौदह निकाला अरे भाई छत्तीस पेपर में चौदह पेपर क्लियर करके भाई साहब बाईस, बाईस पेपर अपने कंधों में लेकर अब चौथे साल में एक से उस समय अपना कोई नियम नहीं था क्या <laughs> क्या क्योंकि बाद में ऐसा नियम आ गया था कि थर्ड ईयर में, में प्रोग्रेस करना है तो फर्स्ट ईयर के साथ मेरे साथ ये था ना कि मेरा फर्स्ट ईयर निकल गया था तेरे पता है चार पेपर बैग थे जो दो साल तक थे फर्स्ट ईयर निकल गया फर्स्ट सेम सेकंड सेम हो गया क्लियर थर्ड सेम हो गया क्लियर इसलिए मैं वहां से बच रहा था लेकिन फोर्थ सेम के मेरे चार पेपर वो मर्सी तक गए थे फोर्थ सेमेस्टर के <laughs> फोर्थ सेम के चार पेपर सिक्स सेम का छह पेपर छह के छह पेपर मैं दो साल तक नहीं दिया था

देख हुआ क्या था सिक्स सेम के मेरे पेपर बहुत सारे बैक थे और पता है ये सारे पेपर बैक क्यों हुए थे मेरे वो इसी वजह से हुए थे क्योंकि मैं बाद में ना छाटने लगा था क्योंकि मेरे पास लोड आ गया था कि मुझे सेकंड सेम भी क्लियर करना है थर्ड भी करना है फोर्थ भी करना है तो अभी फिफ्थ में हूँ या अभी सिक्स में हूं लेकिन मेरा फोर्थ सेम थर्ड सेम बचा हुआ है तो अभी सिक्स के एग्जाम नहीं दूंगा मैं तो अभी मैं फोकस करूंगा कि फिफ्थ का एक आध कुछ निकाल लू फोर्थ का निकाल लू थर्ड का निकाल लू समझ रहा तो अभी जो करंट है उसको तो मैं छूता ही नहीं था इसलिए भी था कि दो साल तक मैं सिक्स सेम का एग्जाम ही नहीं दे रहा था फॉर्म भर के छोड़ ही दिया था एबसेंट जाता था मेरा छह के छह मेरे कैरी चे, फॉरवर्ड हो रहे हैं बहुत लापरवाही किया रहे बहुत लापरवाही तेरे तो को बताऊ लापरवाही का हिट बताता हूं मैं उसका भी मुझे फायदा मिला <coughs> समझना हाँ। हुआ।, हुआ क्या अब तो मैं अपने सुपर जूनियर्स के साथ पढ़े मतलब जूनियर्स के साथ पढ़ रहा था लेकिन अब फोर्थ सेम का दो एग्जाम हो गया था दो एग्जाम बचा था अब ये समझना कि ये मेरा मर्सी पेपर है ठीक है हाँ एक एग्जाम एक कल होना है एक एग्जाम एक एक दो दिन बाद होना है आज रात को मैं और मेरा जूनियर सुपर जूनियर उसका करंट है मेरा तो मर्सी पेपर है ऐसे कुछ था हम लोग रात भर बैठ के पढ़े मतलब सुबह पांच बजे तक ना पांचवी मिनट खत्म की भाई इस बात तो ही देंगे अपन ठीक है सारा पेपर पढ़े अपन सुबह उठा मैं एग्जाम देने गया हूँ जैसे मेरे पास क्वेश्चन पेपर आया मैं देखा क्वेश्चन मैंने कहा भाई ये किसका है मैं बाजू वाले से पूछा कि भाई तेरा क्वेश्चन पेपर मेरे पास तो ही आ गया वो बोलता है कि सब आप ही का है मैं देखा क्वेश्चन पेपर कुछ और है आ, मतलब सब्जेक्ट जो एक दिन दो दिन बाद होने वाला था मैं रात भर उसको पढ़ के चला गया ये तो बहुत बड़ा कांड कर दिया तुम लापरवाही की हद समझ रहे मतलब अभी जो अब क्या करेगा आप ऑर्गेनाइज कर पाए अरे बाप रे <laughs> ऐसा नहीं ऐसा ना है ना हम हम लोग का एक दोस्त था कॉलेज में उस, उसके साथ भी ऐसे ही हुआ था ये चीज ये मैंने देखा कि यार आज पढ़ के कुछ और आ गए पेपर कुछ और था पर यार हम लोग की ना बातें होती एग्जाम का सीजन जब चलता था ना हम लोग वैसे अधिकतर लोग सब साथ में बैठ के पढ़ते थे कई बार मेरे घर में ही बैठक होती थी सात आठ लोग बैठे हैं डाइनिंग टेबल में सब पढ़ रहे हैं एक एक करके सवाल बना रहे हैं ऐसा ऐसा होता था तो हमको पता रहता था भाई कब क्या पेपर और फिर हम लोग क्या करते थे बी से क्वेश्चन पेपर मंगवा लिए शंकरा से मंगवा लिए उनको भी सॉल्व कर लेते है। है। थे हाँ ये भी कर लेते थे तो मतलब कितने बार तो मैंने ऐसा देखा है कि भाई उसी में से सवाल आ गए मेरे जो दोस्त लोग थे ना वो मतलब सब कुछ पढ़ा देते थे वो लोग मतलब बहुत ही खुशकिस्मत रहा हूँ इस मामले में कुछ नहीं भी समझ में आया अच्छा उसको मतलब मतलब गुजराती फेलो एकदम ब्रिलियंट था भाई वो एकदम ब्रिलियंट था सब कुछ समझा देता था, था उसको हर चीज समझ में आ रहा था सामने प्रोफेसर जो है उसका कुछ हमें तो कुछ नहीं समझ में आ रहा भाई पर उस बंदे को सब कुछ समझ में आ रहा था कई लोग कैच कर लेते हैं कई लोग कैच कर लेते हैं और मेरे साथ दिक्कत ये मैं क्लास अटेंड कर नहीं पा रहा था क्या पा रहा था क्लास अटेंड ही नहीं कर रहा था मैं लापरवाही थी बहुत बस इसको मैं लापरवाही कहूंगा तो इसके आगे बताऊंगा अभी तेरे को तो अभी सीन क्या हुआ मैं क्वेश्चन पेपर कुछ और पढ़ के चला गया मेरा मर्सी पेपर मैं आया वापस जूनियर जो था वो भी मेरे साथ गलत एग्जाम पढ़ के चला गया वो वहां से हंसते हुए आ रहा है मैं यहाँ से हंसते हुए निकल रहा हूँ अपनी बेशर्मी अपनी गलती पे हंस रहे किया इतना बड़ा ब्लैंडर कैसे कर दिया हम लोगों ने आप समझ इतना तबाही कि मैं रात को वहां की बैठा हूं और मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी लाइफ के साथ किया क्या मैं दोबारा डिटेंड हो गया जबकि मैं उस लायक था नहीं मैं वैसा इंसान नहीं था मेरे साथ एक रिकॉर्ड हमेशा रहा है कि मैं जिस भी एग्जाम में तीन घंटे बैठा हूं मैं उस एग्जाम को पास किया हूँ जिस भी एग्जाम के सब्जेक्ट को मैं पढ़ के गया हूं मैं एग्जाम पास किया हूँ मैं कभी कोई ट्यूशन नहीं लिया नहीं। मैं इनफैक्ट पढ़ाया हूँ बैठा के अपने जूनियर्स को अपने क्लासमेट को लेकिन मैं बस लापरवाही नहीं पढ़ना है अभी नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे और दोस्त लोग भी चढ़ा दिए कि भाई के तो बैग लगते हैं भाई तो अलग ही राजा है तो उस चक्कर में मैं और एकदम चढ़ गया कि भाई अपने बैग लगते हैं कोई दिक्कत नहीं है ये मतलब बैग लगने को लेकर मैं डिप्रेशन में नहीं जा रहा था लेकिन मैं गलत तरह से ही पॉजिटिव ले रहा था उसको भी ये भी एक बात है लेकिन तो अब देख अभी जो मैं डिटेंड हुआ ना सेवेंथ सेम की बात है अब मैं क्या करूं मेरे को लगा कि भाई इंजीनियरिंग तो मेरा तबाह हो गया है तब याद है कोई साहू सर थे हमारे यहाँ पे आईएनआईटी वाले जो गेट की कोचिंग कराते थे याद है मैं साहू सर को फोन किया था नंबर जुगाड़ किया मैं कि गेट की मुझे पता था गेट का एग्जाम होता है तो मुझे समझ में आ गया था कि समय मिल गया है मेरे को अभी तो मैं साहू सर को फोन किया उनको बताया अपनी कहानी कि सर ये ये दिक्कत है और मेरे को ना गेट एग्जाम निकालना है तो उसने कहा कि तू अगले हफ्ते से क्लास आ जा मैं क्लास गया और पहली बार जीवन में ना मैंने सिंसियरली क्लास किया मतलब फर्स्ट बेंच में बैठूंगा ना गर्मी का मौसम है लेकिन तब भी वो गवर्नमेंट स्कूल में उनकी क्लास लगती थी मैं कम से कम छह पांच छह महीना वहां पर एक्चुअली में क्लास किया और बाकी तो है ही जो भी है तो अगर मैं डिटेंड नहीं हुआ होता तो शायद मैं वो नहीं करता ये भी कह सकते हो डिटेन्ड हुआ था मैं तो उससे मुझे जो लगा ना झटका उस झके की वजह से शायद मैंने गेट क्वालिफाई करने का सोचा भी नहीं तो मेरे ध्यान में कभी था ही नहीं कि मुझे गेट का एग्जाम देना भी है तो भी नहीं सोचा था मैं तो बैग <coughs> हो गए थे मेरे हाँ, इस बैग को मैं डिप्रेस नहीं हुआ था और <coughs> सही बताऊ ना डिप्रेस इसलिए भी नहीं हुआ था क्योंकि मेरे साथ एक खुराफात होती है मेरे साथ कुछ भी दिक्कत होगा ना मेरा दिमाग अचानक से ना प्लानिंग मोड में आ जाता है कि ये तो हो गया अब इसको ठीक कैसे किया जाए और इसका बेनिफिट मुझे आज तक मिलता है Hmm. अभी भी भाई तू भी जानता है बिजनेस में भी चीजें इतनी इजी नहीं होती है बहुत अप्स एंड डाउन आए हैं बहुत स्ट्रगल हुआ है बहुत दिक्कतें हुई है लेकिन मेरे साथ एक बेनिफिट यह है मैं जो स्टार्टिंग से फेस किया स्टार्टिंग से ऑब्जर्व किया जब भी कोई दिक्कत आए तुरंत दिमाग प्लानिंग मोड में आ गया कि भाई दिक्कत आ गई सोल्यूशन खोजो अब क्या किया जाए अब क्या किया जाए ये उस समय भी होता था जब भी कोई दिक्कत आई तुरंत दिमाग चलने लग जाए कि अब क्या हो सकता है जैसे डिटेन हुआ नेक्स्ट दिन साहू सर को फोन किया एक हफ्ते के बाद तो मेरे गेट की क्लासेस शुरू हो गई थी

अगले साल मैं गेट का एग्जाम दे दिया 2011 में उसके बाद में मेरा प्रोजेक्ट था उस समय अब सोच में जब मैं ज्वाइन किया तब मैं अपने सुपर जूनियर्स के साथ पढ़ता था मतलब <laughs> तो <आपने। laughs> ऐसा भी माहौल आ गया था कि मैं क्लास में बैठा हूँ और एक हाँ. टीचर पढ़ाने के लिए आया है और पूरी क्लास ने उसको विश किया है वो मुझे विश किया है क्योंकि वो जूनियर था से एक साल, अभी एक साल पहले पास आउट अच्छा, अच्छा, में, में तो कर तू पढ़ा आखिरी आखिरी में सोचा था ना कि भाई क्लास की चले आता हूँ मैं अच्छा लगता था क्लास में भी आखिर आखिर में बहुत मजा आया और कभी मैं जूनियर्स के साथ में भी ना एकदम फ्रेंडली टाइप का ना तो उन लोगों से मुझे कभी लगा कि मैं अपने जूनियर्स के साथ क्लास ले रहा हूँ ना मुझे लगा एक तो अंदर से एक बेशी भी थी अरे फ्रेंडली ही थी है ना चीज़ है। ये थोड़ा सा हाँ। मेरे, को ना ये ये वाला चीज़ ना मेरे को कभी जमा नहीं है मतलब फालतू का किसी हुँ। पे हाथ क्यों उठाना हाथ उठाना मतलब बहुत बड़ी चीज है यार मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज देख रैगिंग को तो मैं भी मानूंगा कि आप रैगिंग करो आप बुलिंग करो थोड़ा बहुत ताकि बुलिंग से कैसे बचा जाए या बुलिंग को लेके एक्सपीरियंस होना चाहिए ताकि आगे चल के लाइफ में कभी बुलिंग हो तो आप उसको डील कर पाओ अरे क्या है सुमित अति कर देते थे जब हम लोग अपने जूनियर्स को फ्रेशर्स पार्टी दिए थे तो हमारे में से ही एक दोस्त हमारा ही एक दोस्त एक जूनियर को इतना जोर से मारा कि कान से खून आने लगा आ, अभी भी हुआ फिजिकल यहाँ तो नहीं कर सकते ना आप बिल्कुल इतना मत करो अब अब जैसे अपना ही केस बताया मेरे को इतना मार रहा था वो की उनको लेके जाना पड़ा उसको दूर बंदे को वो अति कर रहा था तो ऐसा भी मत करो यार किसी तो के साथ हाँ। अगर वो घूम करके आपको एक चाटा मार दे तो ऐसा लगेगा था। तुमको यार अति मत करो और जो गालियां देने का फैशन था ये वो गाली तेरे को तो नहीं लग रही है भाई तुम गाली तो गाली क्या होता है सबको पता है तो उसमें भी थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए हाँ। लेकिन देखो मैं यहाँ पे ना इसमें बताऊंगा में बहुत काम का है क्या गाली देना नहीं मेरे ना, को ना समाज का दिक्कत लगता है ये मतलब गाली देना का समाज की लेते दिक्कत है, है हाँ लेकिन ना देख कुल मिला कि ना हमारा रिएक्शन जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है अभी समझना हमको क्या सिखाया गया था कि भाई तुम्हें किसी ने गाली दिया है तो तुम उसको अपने पे लोही मत अपनी फैमिली पे लोही मत हमको क्या सिखा दिया गया कि तुम्हारे सीनियर्स तुम्हारे माँ है तुम्हारे बैचमेट तुम्हारी बहन है तो कोई भी गाली गई तो उन पे गई है तुम्हारे फैमिली पे नहीं गई है अगर इस बात को हमने वाकई में मान लिया ना हमको फायदा होगा पहले पहले किस समझना तू मार्केट में है कहीं पे भी है किसी से टकरा गया उसने गाली दे दी तू इग्नोर नहीं कर पाएगा तू दिल पे ले लेगा एकदम गुस्से में आ जाएगा अबे गाली कैसे दे दिया तूने प्रॉब्लम उतना कुछ था नहीं लेकिन तूने जो उसका रिएक्शन दे दिया प्रॉब्लम वहां से चालू हो गया अगला तो है ही थर्ड क्लास जिसने गाली दिया लेकिन वो उसका रिएक्शन देने की वजह से हम भी वैसे ही हो गए समझ रहा है नहीं नहीं वो चीज से वही तो वही सलट सकता था देखिए मैं मैं एक सभ्य समाज में गालियों का हिस्सा मैं रखना ही नहीं चाहता मतलब कॉलेज में जिस लेवल पे गालियां बकी जाती है ना जिस लेवल पे भाई गालियां समाज में ही बनी हुई है उसकी जरूरत नहीं है मतलब कई बार मेरे पास आता था ओवर एक्टिंग लगती थी मतलब लेकिन ये भी है कि तुम गालियां नहीं दोगे ना तो कभी कभी कुछ लोगों को समझाने में वोकैबुलरी नहीं मिलती है समझ में रहा हूँ इंडस्ट्रीज में जॉब करेगा इंडस्ट्रीज में जाके देखिएगा ना तो वहां पे गालियाँ बहुत बड़ा हिस्सा है अपने फ्रस्ट्रेशन निकालने का सामने वाले को काम समझाने का ये जाके देखना बहुत गाली गलौज से बात होती है अब हर गाली को अगर तो दिल पे लेने लगा ना तो बहुत सर्वाइव करना बहुत दिक्कत हो जाएगा तो ये तो रैंकिंग का प्लस पॉइंट मुझे लगा कि आप गालियों को बहुत लाइटली लो गाली इट्स लाइक जस्ट टर्म इंग्लिश या हिंदी टर्म है वो वो आपने आप अपनी फैमिली को नहीं कहा गया है तो आपकी लाइफ में सुकून होगा ये होता है और बाकी रैगिंग में मैं मानता हूं कि फिजिकल असोल्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए मेंटल नहीं होना चाहिए आप के साथ उनको सिखा रहे हो कि भाई, भाई दुनिया हाश होती है।, तू, तू ये तो है मतलब मतलब तू महीने में छोड़कर चला गया है हॉस्टल में मार पिटाई होती थी कि नहीं बहुत होती थी मार तो मैं उस साथ गाली बक की गाली, बक गाली, बक गाली बक बक जाती थी कि नहीं देख मुझे हाथ उठाना किसी पे ना मैं चाहूंगा कोई मुझ पे हाथ उठाए तो मैं बस रैगिंग में ना आप मुझे रात भर खड़ा किए हो आप मुझे डांस दो आप मुझे जो भी करवा रहे हो अपने फन के लिए इट्स लाइक जो भी बुलिंग कर रहे हो वो सब चलता लेकिन जहां आपने मुझ पे हाथ उठाया वो एक्सेप्टेबल नहीं था तेरे को पता है मैंने ना कैलकुलेट किया था मैंने एक्चुअली मैं काउंट किया था कि मैं हॉस्टल में रहता हूँ लेकिन पूरे साल भर में मुझे बीस से ज्यादा थप्पड़े नहीं पड़े होंगे क्यों क्योंकि मैं भाग जाता था कुछ ना कुछ बहाना मार के भाग जाता था तबियत खराब हो गई मेरी जैसे तू बताया ना कि तेरे को अस्सी थप्पड़ पढ़ने के बाद वो बेहोश हो गया था मैं तो पता है, क्या किया था पता है तो मैं भग जाऊंगा यहाँ से मुझे पड़े थप्पड़ छह सात सात से ज्यादा हुआ मैंने एकदम बहाना मारना चालू कर दिया कि सर मैं बेहोश जाऊंगा अब भाई कितने भी रैंकिंग होगा अगर मैं मेडिकल रीजन ले आऊंगा तो वो लोग बोलेंगे ठीक है ठीक है भाई बैठ जा मैं बहाना मारा कि मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है ये दर्द हो रहा है, ये वो, वो मुझे बैठा बहुत था, हम लोग को पहले क्या क्या करवाए और ऐसी मतलब यहाँ पे कैमरा मैन नहीं बोल सकता ऐसी उसके बाद रात हो गई खाना खाए खाना खाने के बाद फिर चेयर में बैठा देना पूरा रो बाय कॉलम ऐसा करके चेयर का अरेंजमेंट उसमें सब बैठे और मैंने बाल इतने छोटे छोटे करवा लिए थे कि फिर भी उसमें चुटिया बनाए आप सुन देखेंगे वो लोग भी समझ में आएगा टॉर्चर क्या होता है चुटिया बना के एक एक सीनियर आ रहा है आपका नजर सिर्फ थर्ड में होना चाहिए आप ऊपर देख नहीं सकते और उस दिन लेकिन पता नहीं वो लोग बोल रहे थे ऊपर देखो हम लोग जैसे ही ऊपर देखते थे कुछ लोग उसी में मार देते थे कुछ लोग पूछते थे बता मैं कौन हूँ अब मैं उसको भाई मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता तो वो चाटे मारे तो खूब चाटा 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 चल रहा था चल रहा

हाँ, मैं मैं गया इसलिए था तो ये लोग क्या के मेरे के दोस्त क्या कहते थे कि भाई मानस जाना पड़ेगा नहीं तो ना ये लोग क्या करते हैं वो जैसे समाज से निकाल देते हैं तो वैसे ही कर देते हैं फिर तू किसी से बात नहीं कर सकता ऐसा ऐसा तो मैं बोला चलो चले आते हैं यार बट वो अच्छा समय नहीं था उसके बाद तुम लोग का रैगिंग में ना पता है हुआ क्या जैसे हम हम लोग लोग के के रैगिंग में में ना ना का साथ अच्छा खासा कनेक्शन भी बन गया था सही बताऊँ वो कनेक्शन हम लोग का आगे कई साल तक रहा इवन अभी भी मेरे कई सीनियर्स हैं जिनसे मेरे बहुत अच्छे कनेक्शन है।, है सुपर सीनियर्स हैं सुपर मोस्ट जिनसे मेरे बहुत अच्छे कनेक्शन है वो कनेक्शन बिल्डअप हुआ रैगिंग की वजह से हम लोग क्या है ना हॉस्टल्स में रैगिंग का मतलब केवल मारना भी नहीं होता था बाद में जैसे हम लोग क्या था क्या होता था तुमने जूनियर्स की रैगिंग ली अब तुमको जूनियर्स को खिलाना पड़ेगा वो जो बोलेगा उसको तुमको खिलाना पड़ेगा तो हमारे लिए वो प्लस पॉइंट होता था कि चल भैया पांच टप्पर खाए लेकिन अब बिरयानी खाएंगे समझ रहा है तो वो सीनियर्स को खिलाना ही पड़ेगा वो उसका धर्म होता है सेकंड कुछ भी प्रॉब्लम आ जाएगी तुमको तुम्हारा सीनियर्स बचाएगा ये उसका धर्म है वो बचाना पड़ेगा ये हम लोगों ने महसूस भी किया तो इससे क्या हुआ ना एक अच्छी बॉन्डिंग हो गई तो रैगिंग सब अच्छा है बस वो जो फिजिकल असोल्ट और जो मेंटल हरासमेंट होता है ना इन दो चीज को हटा दो तो रैगिंग ना कोई दिक्कत नहीं है वो आपके अंदर का जो दब्बू पना है वो हटा देगा एक अच्छी बॉन्ड तुम लोग का रैंकिंग एक्चुअली में गलत इसलिए भी हुआ ना कि तुम लोगों ने साल भर कभी से कभी कोई खासा मुलाकात किए नहीं में कॉलेज पाता क्या क्या था जो भी हुआ, हाँ। वो एक ही दिन हुआ आ, तो बस वही गलत हो गया हम लोग क्या है सीनियर्स के साथ पूरा साल बिताए मतलब मैं हॉस्पिटल में हूँ मैं एडमिट हूँ तो मेरे साथ में मेरा बैचमेट नहीं है मेरे सीनियर है रात के दो बजे तक वो लोग हैं जो मेरे को सेफली वापस से हॉस्टल लेके जा रहे हैं तो ये सब अच्छा खासा कनेक्शन बॉन्ड हम लोग के बीच बन गया था तो दोनों का रैगिंग अलग था भाई भाई वाला है ना वो हम हम बड़े वाकई में ऐसा कोई कनेक्शन नहीं था ना ही आज आज कोई कनेक्शन है मतलब हाँ अपने अपने लोग आज भी कनेक्शन मेरे सीनियर से बहुत अच्छे कनेक्शन आज भी है ये भी है जब की टीचर्स के साथ मेरा कनेक्शन है अब शायद मैं उन्हीं के फील्ड में अब आ गया हूँ मिलते हैं तो पैर छूता हूँ सबके लेकिन सीनियर्स के साथ किसी के साथ नहीं है मैं तो अपने रैगिंग, रैगिंग पे काफी चर्चा हो गई मेरे भाई बैकलॉग भी तुमने अच्छे से बता दिया तो गेट की पढ़ाई आप तुमने की मेरे भाई छह महीने सर के पास सर का बहुत हुँ, साउसर हुँ, साउसर लोग तारीफ करते हैं उनके मतलब मतलब पूरे छत्तीसगढ़ में लोग तारीफ करते हैं हैं कुछ जाओगे तो यार कुछ सीख के निकलोगे वहां से मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग वो तो आपको कॉलेज में नहीं पाएंगे वो जो पढ़ाएगा अलग ही रहे वो समझना चीजों को कैसे आप समझ सकते हो कैसे पढ़ोगे में में, में तो हाँ पढ़ो पढ़ो, तो तो फेवरेट हो जाएगा बात तो है। में इतना पढ़ा कि जो जितने कॉन्सेप्ट जो मेरे कभी थे ही नहीं क्लियर जो मैंने कभी समझ ही नहीं पाया तो वो मुझे साहू सर ने पढ़ा दिया वहां पे मुझे उन्होंने पढ़ा दिया कि भाई पढ़ना कैसे है गेट को लेके एप्रोच कैसे करना है क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं तो ये सब सीखा रे तो अच्छा था डिसिप्लिन था डिसिप्लिन क्या था 5 बजे की क्लास में वो पौने 6 <laughs> बजे आते थे लेकिन कोई दिक्कत नहीं था अच्छे थे वो बहुत अच्छे तो थे और <clears throat> कौन से ईयर में गेट आ, का एग्जाम दिया था सुमित 2011 में मैंने गेट का एग्जाम दिया एंड थैंकफुली थैंक्स टू साहू सर ऊपर वाले की दया से मेरा 99.06 परसेंटाइल बन गया और ऑल इंडिया रैंक आया था सात सौ हाँ। कुछ तो हाँ। था, आया था अभी ढंग से आसपास हुआ क्या अभी तक मैं मेरे कॉलेज में, में मेरी ऐसी इमेज थी कि जैसे वो डीजे नहीं है क्या मूवी रहे रंगे बसंती का डीजे 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 ये साला आया है तो जाएंगे रहा है मतलब कितने साल से ही पड़ा हुआ है इस टाइप तो हाल था मेरा गेट क्वालिफाई हुआ है तो अपने कॉलेज में मैं रैंक वन पे था मतलब अगर देखा जाए तो जितने भी लोगों ने गेट का एग्जाम दिया था किसी का भी मेरे से अच्छा गेट का रिजल्ट नहीं आया था तो रातों रात ऐसा हो गया था कि मेरा बर्थडे भी था उसके बाद गेट का रिजल्ट आया था और सब पार्टियां लाइन से हो रही थी प्रिंसिपल ने मुझे इनवाइट किया वो अपने और भी कुछ लोग आए थे उनसे मिलवाने के लिए जो प्रिंसिपल मुझे पूछ नहीं रहे थे मेरे को पता है मैं लाइब्रेरी गया था हुआ क्या था कि जब मेरे को पहली बार डिटेन किए थे ना तो लाइब्रेरी के कुछ बुक्स थी मेरे पास जो मैंने गुस्से में ना उसको मैं बेच दिया था लाइब्रेरी का बुक लेके तू बेच 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 दिया दिया बेच दिया था था <laughs> साल पहले था। फिर लेकिन जब आखिरी आखिरी आ गया था तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी सब लेना होता है हुँ. तो लाइब्रेरी गया मैं एनओसी लेने के लिए तो वहां पे पता चला कि भाई तुम्हारा तो पांच साल से एक बुक बचा है पेंडिंग है तो उन्होंने मुझे पांच छह हजार का फाइन लगा दिया कि तुमको बुक भी लाके जमा करना है पांच छह हजार रुपए फाइन भी देना पड़ेगा ऐसा कुछ हो गया लेकिन गेट का रिजल्ट आया तो भाई मेरा सब माफ हो गया अरे अरे आप ही का है कोई दिक्कत नहीं है चलो कोई बात नहीं आप साइन साइन कर कर लो यहां कर लो गेट का वो लाइब्रेरी एनओसी तुरंत मिल गया कहीं कुछ नहीं करना एक मैडम आके मुझे मिलती है वो मैडम क्या बोलती है कि आपको याद है आप वो वाले क्लास में टेस्ट देते थे तो मैं इन्व्यूजलेटर बन के आई थी मैडम से याद होगा कि आप कहा आई थी लेकिन पूरा माहौल चेंज मतलब सभी प्रोफेसर बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं पेपर में आया था लोगों लो ने नोटिस बोर्ड पे लगा दिया था सही हो गया तो ये मैं मानता हूं कि आप एक अच्छा काम कर लो ना तो आपके सारे पाप ना एक बार में धुल जाते हैं और सही बताऊं तो वो बैग बैग भी जो लगा ना अब देख इसको कैसे बताना चाहिए वो बस एक छोटा सा हिस्सा है लाइफ का वो बहुत सिंपल तरीके से आप उससे बच सकते हो वो तो तू अच्छे से बता पाएगा कि बैक कैसे नहीं लगना चाहिए वो तुझे अच्छे से पता है लेकिन मैं इतना बता पाऊंगी कि बैक लग गया है ना अगर तो उसको ना हवा मत बना दो लाइफ खत्म नहीं हो जाती भाई बैक लग गया बैक लग गया कोई दिक्कत नहीं अगले साल निकल जाएगा बस बैलेंस बना के चलो ना लाइफ में एंजॉयमेंट तो करना ही है भाई अपने को एक जिंदगी मिली है लेकिन दिन के एक आध घंटे हफ्ते के तीन दिन पढ़ाई भी कर लो पढ़ते ले, पढ़ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ बैक निकल जाता है कोई भी बहुत मैं नहीं मानता कि कोई इतना मुश्किल सब्जेक्ट है कि आप पढ़ोगे तो नहीं निकलेगा डिसिप्लिन लाना पड़ेगा पर बस डिसिप्लिन हफ्ते में दो तीन दिन भी पढ़ लो तो आप कॉलेज चले देखो मैं जब कॉलेज में पढ़ाने लगा ना तो अब देख जैसे मैं स्टूडेंट हूँ वैसे तो मुझे भी मिलेंगे बच्चे है कि नहीं अब मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था वहां पे मैं देखा कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके दो बैक हैं तीन बैक हैं बहुत टेंशन में है क्या हो गया भाई सर तीन में बैक लग गया है ये दिक्कत हो गई मैं कैसे करूं ये वो तो मैं उनको समझाता था कि भाई तीन में बैक लगा है तो आज इसको सोच रहा है कितनी बड़ी बात है आज से पांच साल बाद तू हंसेगा इन बातों पे तो बैक लग गया है अब उस पर पोस्टमार्टम मत कर कि कैसे बैक लग गया क्या हो गया आगे बढ़ बैक लग गया पढ़ाई चालू कर खत्म कर तो को पांच यूनिट में से देख क्या समझ में आता है वो पढ़ जो नहीं समझ में आता है रास्ता निकाल समझने का टीचर से पूछ दोस्तों से पूछ रोने मत बैठ वो बहुत बड़ा इश्यू हवा नहीं हो गया कि लाइफ खत्म हो गई है, ठीक है? से तुमने उसका जवाब नहीं आता मैं एक न्यूमेरिकल दूंगा तुमसे न्यूमेरिकल नहीं बनेगा मैं तुमसे कॉन्सेप्ट पूछूंगा तुमको कॉन्सेप्ट नहीं आता मैं उन बच्चों से पूछता था कि भाई तू कॉलेज क्यों आ रहा था छह महीने से कॉलेज आ रहा है तो तू किया क्या हाँ मैं उसको बोलता था अटेंडेंस तो वैसे मिल जाता हाँ। मैं उससे पूछा पार्टी वार्टी करता है बोला नहीं दोस्त यार के साथ घूमना फिरना मैंने कहा नहीं मैंने कहा बंदी बंदी है गर्लफ्रेंड है बोलता है नहीं मैंने कहा तू छ महीने से डेली कॉलेज आ रहा है तू पढ़ाई भी नहीं किया तू गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाया तू दोस्तों के साथ पार्टी नहीं किया तो किया क्या छह महीने बर्बाद ही तो किया इससे अच्छा तो भाई तू पढ़ ले या अगर नहीं पढ़ना है तो कॉलेज ही मत था ना भाई तू इसको मतलब कहते मुझे, हाँ, हाँ, का तो तो मुझे लोग मेरे पापा कभी कभी बोलते हैं कि तुमको पता है तुमने अपने लाइफ के कितने साल नुकसान करा दिए बर्बाद किया मैं बोलता हूँ पापा बर्बाद नहीं किया मैं सही बताऊँ बहुत इंजॉय किया थैंक यू आपका आपने मुझे मौका दिया लेकिन मैं सीखा मैं लाइफ को एक्सपीरियंस किया एंजॉय किया एंजॉय के साथ में मैंने मेन है कि क्या नहीं करना है वो सीखा कई लोगों से मिला वो डील करना हैंडल करना सिचुएशंस को बहुत कुछ सीखा थे लाइफ में और वो जो सीखा ना वो अभी मेरे काम आता है वो कहीं ना कहीं मेरे स्किल्स में है हुँ. तो प्रॉब्लम सॉल्व करना एंड वो चीजें मैनेज करना तभी तो मुझसे आया ना नहीं नहीं मैं तो जैसे मैं अब टिकट में बहुत ध्यान से देखता हूँ कि मैं कहा से कहा जा रहा हूँ याद है ना एक बार क्या हुआ था कौन से ट्रेन में बैठना था कौन से जयपुर वाले, <laughs> <था? laughs> <laughs> वाले में बैठा जब बैठ रहा था जोधपुर भोपाल में बैठ गए जयपुर बेंगलोर में जयपुर वाले के बैठा छोड़ के आ गए अब उसका कारण वारण छोड़ो तो तो उसमें बात नहीं करेंगे फिर कभी वो अलग बात है लेकिन जब क्वेश्चन पेपर वाला बात बोला था ना कि मैं कौन सा पेपर में आ गया था कि मेरे दूसरा क्वेश्चन तब मेरे को ये वाली बात याद आई भाई मैं तो कुछ गलत ही ट्रेन में ही बैठ गया था अरे मैं लड़ने लग गया साम बंदे से कि ये लगी लगी मेरी सीट है मेरी सीट है और टीटी आके बताया भाई तुम्हारा जोधपुर भोपाल था तुम्हारा चुक, चुक चुक गाड़ी वाला था वो डीजल लोकोमोटिव था और मैं बैठ गया इलेक्ट्रिक वाले में है वो पेंटोग्राफ वाले में पेंटोग्राफ वाले में क्या बताएं तो सुमित अब मुझे थोड़ा सा ये बताओ चलो ये गेट में रैंक लग गई मेरे भाई इसके बाद चले गए एन आई टी मतलब तिरुचिरापल्ली वही, पर... हाँ। भाई। भाई तो वही जिया हूँ मैं सही बताऊँ एक्चुअल में जो कैंपस लाइफ होता है ना दो साल में वहाँ जिया हूँ मतलब एक कैंपस दो हजार ढाई हजार एकड़ में फैला हुआ कैंपस मतलब वहाँ पे इतनी बिल्डिंग्स हैं कि हमारे यहाँ पे एक बिल्डिंग में तो पूरी कॉलेज बन जाएगी वहाँ पे पचास साठ के अलग अच्छी अच्छी बिल्डिंग एक से एक लोग पूरे इंडिया से टॉप जो बढ़िया एकदम क्रीमी बच्चे नहीं होते हैं पढ़ने वाले वो वहां पे हैं अलग अलग जगह के मतलब छह से सात हजार तो लोग वहां रहते हैं उस कैंपस में तो मैं एक्चुअल में कैंपस लाइफ वही जिया रहे मैं देखा वहां पे साउथ के लोगों को नॉर्थ के लोगों को सबके साथ मिलना एक बहुत बड़ा कल्चरल शॉक भी हुआ था छत्तीसगढ़ का बंदा टिपिकल तमिलनाडु में एकदम मैं त्रिचरापल्ली में था त्रिचरापल्ली एकदम टिपिकल तमिलनाडु है ना मतलब एकदम तमिलनाडु के मिड में है बिल्कुल ठीक तो वहां का लैंग्वेज से लेके वहां का खाना वो बहुत बड़ा कल्चर शौक था हम सारा रोटी चावल खाते हैं वहां पे वो भी नहीं मिलता अबे तो चावल तो खाते हैं क्या तमिलनाडु में वहां का चावल अलग हो जाता है थोड़ा अलग चावल है हाँ अलग चावल रहता है वहां की रोटी वैसी नहीं जैसे यहाँ पे खाते हैं वहां मैदा का रोटी अलग बना के खाया जाता है आहा, तो आहा, वो चीजें थी लेकिन वो अनुभव था बहुत बेहतरीन था मतलब कैंपस लाइफ जिसको बोलते हैं जैसे अपन मूवीज में देखते हैं अलग ही था भाई बहुत सही मैं सभी आई में भी गया था ना मेरे पास कॉल तो सभी आई में आए थे आई मुंबई गुवाहाटी आई चेन्नई खड़गपुर सब जगह से कॉल आए जहां जहां पे मैंने अप्लाई किया था अच्छा तो हालांकि मुझे ब्रांच नहीं मिला था मेन दिक्कत आया था ब्रांच को लेकर मुझे इंडस्ट्रियल चाहिए था क्योंकि पता नहीं कहां से दिमाग में कीड़ा आ गया था किसी ना किसी इंडस्ट्री में घुसना है या अपने, अपने खुद एक इंडस्ट्री बनानी है अच्छा, पता नहीं कुछ हुआ होगा हाँ, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग किया था, है एमटेक ये हाँ, तो मुझे इंडस्ट्रियल अच्छा, करना था तो हाँ, ओके तो आईआईटी मुंबई में, में, में इंडस्ट्रियल नहीं मिला आईआईटी गुवाहाटी में भी नहीं था आईआईटी चेन्नई में मुझे ओशियंस कुछ दे रहे थे ओशियंस मेरे को चाहिए नहीं था हाँ अच्छा खासा लैब था ओशियंस का बहुत बड़ा लैब था कॉलेज बहुत अच्छे थे सारे आई बहुत अच्छे थे ऑब्वियसली बात है वो आई है बोलना क्या है लेकिन ठीक है मेरे को इंडस्ट्रियल करना था मैं जो वहां पे दो साल में सीखा ना वो अभी भी मेरे बहुत काम आता है मतलब कई चीजें हैं जो मैं एक्चुअल में जो वो सीखा था वहाँ पे, वो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ तो ठीक है अच्छा मज़ा कैंपस लाइफ हाँ मजा आया एक्चुअल में अपन बात होती थी याद है वैगिंग होती है कि नहीं वहां पे रैगिंग होती है लेकिन उतनी नहीं होती रैकिंग होती है बहुत कैजुअल सी होती है बहुत क्लासी रैकिंग होती है मतलब देख मैं त्रिची में दो साल था ना मैंने आज तक कोई गैंग वॉर नहीं देखा कॉलेज के अंदर लिटरली बात मैं मानता हूँ कि छह हजार लोग रहते हैं सलाह हमारे यहाँ पे कॉलेज में हजार लोगों में आए दिन देखते थे कि वो उससे भिड़ गया ये इससे भिड़ गया लेकिन त्रिची में मैं था दो साल मैं ना तो कोई ग्रुप में ऐसे लड़ाई झगड़ा देखा इतनी लड़ाई हो रही है ये हॉस्टल में जब सब वही रहते हैं नहीं देखा मैं तो जो भी होता था वहां पे डिसिप्लिन से होता था क्लास में होता था तो रैगिंग होती थी रैगिंग उतनी ज्यादा नहीं होती थी अब फिजिकल फिजिकल्ट को हटा देगा uh, मेंटल देगाटलेंट को हटा हटा देगा तो रैगिंग में बचा क्या कि भाई नाचो नाच के दिखाओ गाना गा के दिखाओ बस वही सब हो रहा था क्रॉस रैगिंग भी होती थी लड़की लड़कियों के लड़कों के ले रही है लड़का लड़की के ले रहा है वो भी होता था लेकिन बहुत जैसे हम लोग के टाइम का था ना वैसा नहीं था हल्के फुल्के लेकिन आइट सीन बहुत 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 बदल गया था क्योंकि पहले भी IIT's में भयानक भयानक होती होती थी थी पता ना लेकिन नहीं हम के बाद के हाँ, के के चलो गेट की जर्नी तो अब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं गेट अब का हो गया मैंने अब एक फाइनल प्रश्न है आपसे अपना वेंचर स्टार्ट करने का मोटिवेशन कहाँ से मिला कैसे चल रहा है क्या कठिनाई आती है थोड़ा सा संक्षेप में आप बताओ बिल्कुल 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 देख बेसिकली uh, क्या था कि मुझे ना uh... कभी प्लान था नहीं कि मैं अपने खुद का कुछ बनाऊंगा मुझे किसी के यहाँ पे जॉब करनी है किसी के यहाँ पढ़ाना है चाहे चाहे गवर्नमेंट है है प्राइवेट वही सेट वही सेटअप प्लान था था लेकिन मैं मैं जब प्रयास में था, तो मुझे वहां पे टीचर्स मिले देख हमेशा एक बात कहता हूँ जो होता है अच्छे के लिए होता है मैं एक एग्जाम्पल उसको और दिखाता हूँ तुझे मैं प्रयास में पढ़ा रहा था प्रयास में मुझे सारे आई या अच्छे अच्छे टीचर्स मुझे वहां पे आई मिले जो हम सब साथ में पढ़ाते हैं ठीक है तो वहां पे एक टीचर था जिन्होंने मुझे कहा था कि सुमित भाई अंबिकापुर में कोई कोचिंग होगी तो बताना मैं भी उस कोचिंग में पढ़ाना चाहता हूं हम और भी लोग हैं हम उस कोचिंग में पढ़ाना चाहते हैं अब मैं इसके पहले अंबिकापुर में कौन सी कोचिंग थी मुझे नहीं पता था और जहां तक मुझे पता था कि अंबिकापुर में कोई वैसी नीट या जेई को लेके कोचिंग है भी नहीं मैं तो यही मानता था तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि यार ये इतने अच्छे टीचर्स हैं अगर ये किसी कोचिंग में पढ़ाएंगे तो उस बच्चों का कितना भला कोचिंग का कितना भला तो मैं अपने घर पे बात किया मैंने ऐसे डिस्कशन किया कि क्यों ना हम ही एक कोचिंग बना ले हाँ। तो मैं फैमिली से बात किया मम्मी पापा बोले देखो जो करना है अच्छा लगे मैं बाकी कई कई जगह पढ़ा रहा था और उस समय मेरा भाई था वो अंबिकापुर में था तो मैंने कहा कि भाई अपन ही कोचिंग बनाते हैं तो फटाफट -फड़ मैं बैठा सोचना चालू किया और दिमाग चला तो वेलोसिटी नाम रखेंगे उस समय वेलोसिटी क्लासेस नाम से मैंने चालू किया था तो वेलोसिटी क्लासेस में जो मैंने पढ़ा था उसका भी मेरा काम आ गया तुरंत मुझे एक दिमाग में बैठ गया कि मुझे एक ब्रांड फॉर्मेशन करनी है तो ब्रांड बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए ब्रांड 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 का tagline चाहिए, का logo चाहिए, का टैगलाइन चाहिए 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 लोगो वेबसाइट तुरंत विद इन अ मंथ मैंने फटाफट इसमें तैयारी की और एक वेलोसिटी क्लासेस नाम से जगह वगह लेके और मैं चालू कर दिया और जितने भी प्रयास के टीचर्स थे उनसे मिला बात बात किया हम लोगों ने मीटिंग्स की क्लासेस वगैरह का सब डिस्कशन किया और हो गया चालू हो गया स्टार्टिंग में यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्कूल था विवेकानंद वे स्कूल मैंने उस स्कूल को रेंट पे ले लिया कि भाई दिन में आपका स्कूल चलता है शाम को हम अपनी क्लासेस चला लेंगे hmm. तो मुझे इंफ्रा भी बना बनाया मिल गया घड़ी चौक पे यहाँ पे एक अच्छी जगह है चौक पे मुझे एक ऑफिस का एरिया मिल गया hmm. और टू आई थिंक जुलाई जुलाई सिक्सटीन जुलाई टू को हमारा चालू हुआ चालू हुआ तो उसमें केवल नाइन्थ से लेकर ट्वेल्थ तक का था नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ हम चालू करेंगे अब देख शुरुआत हुई तो शुरुआत में पापा मम्मी ने ऑब्वियसली बात है बहुत हेल्प तो किया सपोर्ट किया फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट किया अब बाकी मॉरली सपोर्ट कर रहे थे लेकिन ज्यादा उनको भी था नहीं आइडिया इस बिजनेस का मैं क्योंकि कुछ कोचिंग्स में पढ़ाया हुआ था पहले भी तो मुझे थोड़ा बहुत था आइडिया लेकिन मार्केटिंग कैसे करना है और मेरे को समझ में आ गया था कि भाई आपको ब्रांडिंग करनी पड़ेगी ब्रांड बनाने के लिए आपको मार्केटिंग भी बहुत करना पड़ेगा एक डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा तो वो अपन ने किया 2019 में ज्यादा स्टूडेंट नहीं आए थे 40 45 बच्चों से हमने काम चालू किया और इन्वेस्टमेंट फेस था हमारा पैसे लगा रहे थे सब हो रहा था अच्छा और 2020 में कोविड आ गया सारा प्लान बस दो कोविड आया तो मैं तो हड़बड़ा गया कि ये हुआ क्या अभी अभी तो मैं हाँ डूब गए सुमित उस टाइम डूब गए मतलब तू समझना कि मैं अभी एक बंदे को 70, का देके आया फॉर द वॉल वॉल पे भैया पेंटिंग करना है और मैंने बाकायदा उसको एडवांस भी दे दिया है तीस चालीस हजार रूपए की भैया काम चालू करो और विद इन वीक विद इन वीक कोविड का नोटिफिकेशन आ गया कि भैया कोविड है और लॉकडाउन चालू होने वाला है एक दिन का लॉकडाउन लगेगा फिर दो दिन का लगेगा तीन दिन का लगेगा उसके बाद तो लॉकडाउन ही लॉकडाउन हो गए मैं एक साल बाद उस बच्चे बंदे से पैसे वापस लिया था जो मैंने लिया था उसको कि भैया होगी आप पैसे वापस करो तो हुआ एक चीज अच्छा में एक ये भी सोचने वाली बात है कि जिस टीचर ने मुझे कहा था ना कि मुझे एक कोचिंग में पढ़ाने के लिए कोई कोचिंग बताइएगा जिसकी वजह से मैंने कोचिंग खोला वो टीचर आज तक नहीं पढ़ा पाए कभी अच्छा ये भी हाँ हा, वो कभी नहीं पढ़ा पाए उनको मैं हमेशा बोला कि आप आइएगा उनको कुछ मेडिकल इश्यूज आ गए थे जिसकी वजह से वो अंबिकापुर में रह ही नहीं पाए पढ़ाई नहीं पाए बाद में शायद उन्होंने टीचिंग ही छोड़ दिया वो अलग ही फील्ड में चले गए लेकिन मैं थैंकफुल उनको लेके कि उनकी वजह से मैंने चालू किया मतलब कई बात ना आपकी आइडियाज सडन होते हैं पता है अचानक से हुँ. दिमाग में ख्याल आता है और बस आप उस पर एग्जीक्यूट करो मतलब वो होता है ना पैनालिसिस ऑफ एनालिसिस हम सोच रहे हैं तीन महीने बाद क्या हो गया हम सोच रहे हैं छह महीने से क्या हो गया हम सोच रहे हैं नहीं मेरे साथ नहीं है जो करना करो रिस्क लेना है रिस्क लो अधिक से अधिक क्या होगा नुकसान होगा ना ओवरकम हो जाएगा ना लेकिन नहीं हुआ तो किया तो फिफ्टी फिफ्टी चांस है नहीं किया तो सौ परसेंट चांस है कि नहीं होना है। ठीक है और सही बात एक बात ये भी है कि थोड़ा कैलकुलेटिव रिस्क लिया जा सकता है मतलब हम लोगों ने पढ़ा था ब्रेक इवन के बारे में कि ब्रेक इवन टच करना होता है ये सब जो भी कॉन्सेप्ट ने पढ़ा था तो वो सब मैं यहाँ पे लगाया कि भाई मैं अगर पढ़ा रहा हूं तो मेरे क्लास में इतने बच्चे होंगे तो मैं ब्रेक इवेंट टच कर लूंगा तो मार्केटिंग में इतना निकाल सकता हूँ ये सब करके मैंने कैलकुलेट रिस्क लिया कि चीजें की जा सकती हैं थोड़ा सा इसको ना देख वो शिव खेड़ा जी का कहना है ना कि सक्सेसफुल लोग या जो बड़े लोग होते हैं वो कोई अलग काम नहीं करते वही काम करेंगे लेकिन अलग ढंग से करेंगे तो मैं इस चीज को बहुत माना कि भाई बेसिकली मैंने खोला क्या कोचिंग ही खोला लेकिन जो तो अंबिकापुर के बाकी कोचिंग्स को देख लिया हमारे यहाँ पे तो, तो बहुत डिफरेंस दिखाई देगा चाहे वो एग्जीक्यूशन हो चाहे वो प्रेजेंटेशन हो चाहे वो ब्रांडिंग हो मेरी वजह से कई कोचिंग्स को अपना काम करने का ढंग बदलना पड़ा मतलब ये चीज दिखा मुझे कि कई लोगों ने हमारे कॉपी करना चालू किया हमारी वजह से उनको इंस्पिरेशन मिला कॉपी नहीं कहूंगा इंस्पिरेशन कहूंगा नहीं मतलब हमने हाँ, मैंने बैच से किया तो हाँ, उनको लोगों को वो पड़े। वो फॉलो करना जबकि बहुत पहले से क्लास इस मार्केट वही मार्केटिंग हो रही है मैंने प्रॉपर ग्राफिक डिजाइनिंग प्रॉपर क्रिएटिव्स बना के मैंने उसको मतलब प्रमोशन में चालू किया तो उसकी वजह से बाकी कोचिंग्स को ये करना पड़ा तो कहीं ना कहीं

जब कोविड का लॉकडाउन चालू हुआ था ना उसके पहले मैं गया था एक जगह जबलपुर गया था जबलपुर में मैं अपने एक, एक रिलेटिव से मिलने गया था जहां उनके साथ बैठ के ना मैं पूरी मीटिंग करके आया था कि मैं चाहता हूं कि ऐप ऐसा हो ऐप में ये होना चाहिए ऐप में वो होना चाहिए और सब चीजें उनको समझा के मैं सोचा था कि एक महीने बाद वापस से आऊंगा और फिर अपन देखेंगे कि अगले फेज में कि इस ऐप में और क्या करना है मतलब ऐप बनाने का प्लान मेरा कोविड के पहले ही हो गया था लेकिन लॉकडाउन लग गया तो वो प्लान खत्म हो गया लेकिन जब लॉकडाउन पहला लॉकडाउन खत्म हो गया तब उसी समय 2020 के ही सितंबर अक्टूबर में मैंने वापस से ऑनलाइन जब चीजें चालू हो गई तो मैंने टीम चेंज किया एक और टीम के साथ मिलके पता ही है मैंने अपना ऐप बनवा लिया उसका मुझे फायदा हुआ प्लस जो मेरे स्टडी मटेरियल्स थे इसी समय मुझे उनसे भी मिलने का मौका मिला आनंद सर अच्छा हाँ मैं फोटो देखा था आनंद सर से मिला था हाँ गया मैं गया, गया, गया था पटना गया था। हाँ हाँ मैं पटना गया था एक्चुअली मुझे जाना था पूर्णिया पूर्णिया अच्छा। वेस्ट बंगाल बिहार बॉर्डर पे एक जगह है मैं पहली बार गया लाइफ में आज तक तो कभी नहीं गया था उस साइड में कभी नहीं गया था हाँ। लेकिन वहां पे एक इंसान से मेरी ऑनलाइन बात हुई थी उसके पास थे स्टडी मटेरियल्स मैंने कोचिंग खोला था तो मुझे मटेरियल्स का था नहीं आइडिया तो मैं कैसे क्या करूं तो मैं उसके बारे में वो बात करने के लिए उससे गया था देख कीड़ा देख अब वो बंदा इतनी दूर रहता है लेकिन मुझे उससे बात करनी है मैं चला गया मैं नहीं। सोचा नहीं जाऊं नहीं जाऊं घर पे बैठा बात किया कि मम्मी वो वहां पे रहता है वेस्ट बंगाल के पास में है कहीं पे उसके पास सारा मटेरियल है मैं सोच रहा लो मिल के आऊँ क्या उससे पापा मम्मी बोले देख लो जाओ मिल के आना मिल के आओ कैसे जाते हैं नेट पे सर्च किया तो पता चला कि सुबह पहुंचूंगा पटना पटना से रात को बस पकड़ूंगा तो नेक्स्ट दिन सुबह पहुंचूंगा पौंडिया ठीक मैंने कहा चलो चलते हैं पटना भी आज तक कभी नहीं गया था मैं इसी बारे में वो भी घूमना हो जाएगा गया सुबह पटना पहुंचा दिन भर अब पटना पहुंच के मैं करूंगा क्या दिन भर पहली बार उस जगह पे पहुंचा अब बिहार कोई खासी अच्छी जगह तो है नहीं लेकिन पटना में एक चीज अच्छी लगी कि भाई वो तो एजुकेशन हब है कोचिंग्स का हब देखा भाई इतनी कोचिंग वहां पे तब मुझे ध्यान आया आनंद सर का अब देख उस समय एक उनकी मूवी आई थी सुपर थर्टी ऋतिक रोशन वाली लेकिन मैं वो मूवी देखा नहीं था पता था कि मूवी आई है प्रोमो था लेकिन मैं मूवी नहीं देखा था लेकिन मुझे पता था कि उनकी कोचिंग यही है तो दिन भर तो मैं उनकी कोचिंग खो जाऊं तो भाई इनकी कोचिंग है कहाँ पे एक रिक्शा वालों को पकड़ के ऑटो वाले को पकड़ के, के भटका फाइनली मुझे उनकी कोचिंग मिली जब उनकी कोचिंग में पहुंचा तो पता चला वो कोचिंग में ही नहीं है तो अच्छा। मैं बोला कि भाई मैं वहां अंबिकापुर से आया हूँ मेरे को उनसे मिलना है तो उन्होंने मुझे अपने घर का पता दिया मतलब वहां के जो स्टाफ थे उन्होंने मुझे आनंद सर का घर का पता दिया कि आप जाके इनसे घर पे मिलिए फिर घर खोजा इनका घर पे पहुंचा मैं इनके तो उनकी माता श्री निकली बाहर वो बोली कि वो घर पे है ही नहीं तो मैंने वो कागज़ का टुकड़ा उनको दिखाया कि मैम ये मुझे इनकी कोचिंग से मिला है मुझे इनसे मिलना है तो वो मुझे बोले कि ठीक है बैठिए बुलाती हूँ तो मैं इनके जो ऑफिस था वहां पे बैठा भाई आसपास पूरे अवार्ड ऋतिक रोशन के साथ फोटोज और बहुत ही अलग मैं तो पूरा वीडियो बना लिया था इतिहास में मिल गया था फिर सामने सीढ़ी से इनके भाई आए

कोचिंग के बारे में तो बात हुई उसके बाद तो अलग ही बात हो रही थी भैया आप तो जिम में जाते हो बॉडी बॉडी बना रहे हो ये सब बातें हो रही थी मस्ती <laughs> की बातें हो रही है हाँ, मुझे बोले ऐसा दिखाओ मैं दिखाया अच्छा अच्छा है बॉडी बना लियो <laughs> ये सब बातें हुई है। इसके बाद मुझे है। मैं प्रिपेयर होके तो गया नहीं था साथ में सेल्फी लिए तो मैं पूछा आपके साथ एक फोटो ले सकता हूँ वो खुद ही आ आजा आजा भाई लेते हैं सेल्फी सेल्फी लिए निकले बाहर एकदम सिंपल सा बंदा लेकिन अगल बगल में एक गनमैन था उनका ऑटो तक मेरे को छोड़ने के लिए आया बका वो ऑटो तो तो अच्छा। में बैठा है उसके बाद में वहां से निकला तो मजा आ गया था तो पटना भी घूम लिया मतलब कुल मिला गया डेरिंग वाली बात है ज्यादा सोचेगा ना इंसान तो वो ना नेगेटिव ज्यादा सोच लेगा मतलब मुझे है। लगता है कि किसी चीज को करने के बारे में सोचना है एक लिमिट तक सोचो उसके बाद एग्जीक्यूशन में आ जाओ क्योंकि जहां तुमने ज्यादा समय दे दिया ना सोचने का तो तुम रास्ते खोजोगे नहीं करने के निगेटिविटी ज्यादा आ जाएगी फिर उसके बाद हो जाएगा छोड़ नहीं करना चाहिए तो मेरे साथ ये कि मेरा भाई भी बोलता है ना

और म्यूजिक से लेके आर्ट से लेके एल के जी यूकेजी से लेके यूपीएससी से लेके एस एस सी से लेके स्टॉक मार्केट से लेके डिजिटल मार्केटिंग सब कुछ सीखने को एक जगह पे लोगों को मिले और क्वालिटी मिले बस वही क्वालिटी अच्छा में 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 समय काफी हो गया है और अपनी आ... बात खत्म नहीं होगी अपनी बात नहीं खत्म होने वाली नहीं और क्या कहना चाहेगा भाई

थोड़ा सा कैलकुलेशन करो मैथमेटिक्स लगाओ ताकि रिस्क लेना पड़े भी तो कैलकुलेटिव रिस्क हो एंड डू इट मतलब ना बहुत ज्यादा उसको सोच में मत डालो चाहे तुम्हें बिजनेस शुरू करना है या तुम्हें कोई एक नया एक यू नो इंडस्ट्री बनानी है या जिस भी टाइप का जो भी तुम्हें काम करना है रिस्क लो मतलब हिम्मत करो पता है डेयरिंग करो लेकिन मैं ये भी नहीं कि तुम अंधाधुंध जो भी रहे हो कैलकुलेटिव रिस्क लो मैथमेटिक्स पे ध्यान दो समझो कि क्या मैथमेटिक्स से कहाँ पे प्रॉफिट होगा कब प्रॉफिट होगा कैसे प्रॉफिट होगा तुम्हें पता होना चाहिए कि जो भी तुम काम करने जा रहे हो वो कितना फिजिबल है मार्केट पे रिसर्च कर लो मार्केट में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए डिमांड है कि नहीं अगर डिमांड नहीं भी है तो क्या तुम डिमांड क्रिएट कर सकते हो अपने जो भी नॉलेज है स्किल्स को बढ़ाओ यूट्यूब का यूज करके कई चीजें हैं जो तुम सीख सकते हो यूट्यूब से वहां से ये बिजनेस की चीजें सीखो और हताश मत हो बहुत अप्स एंड डाउन आएंगे लाइफ में लेकिन करो खाली मत बैठो कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग चीजें सीखते जाओ आगे बढ़ते जाओ एंड डू इट देखो नहीं किया ना तो कंफर्म है कि कुछ नहीं होना किया तो क्या पता हो जाए है ना बिल्कुल सही बात है तो बस भिड़ जाओ ना तुम तो या तो जीतोगे या सीखोगे इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा ओके सो विद दैट आज के पॉडकास्ट को मैं यहीं पे फिनिश करना चाहूंगा और जो भी स्टूडेंट्स हो गए मेरे स्टूडेंट्स हो गए या जो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो मैंने नीचे टिकर रन किया है अगर आप भी अपने जर्नी को मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं मुझे बस आप एक ई कर दीजिएगा अपना फोन नंबर दीजिएगा मेक अ कॉल टू यू डोंट वरी ठीक है एंड आओ एक आपके साथ भी सेशन करेंगे राइट कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल तो सुमित बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई तो तो थैंक्स यार इस अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सही काम कर रहा है तू बस लग रहा है रहा भाई पर तो साथ ही है फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इतने मतलब ते, 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 तेरे से तो मैंने पिछले कितने सालों में इतनी बात कभी की इतनी एक घंटा पैंतालीस मिनट हो रहा है बहुत बहुत इवन मैं सच बता काम में काम में काम में लगे रहते हैं ना तो इतना देर बात करने का मौका मिला मुझे ये मुझे बहुत अच्छा लगा पूरी बातें याद आई रिकॉल किए पूरी को बड़ा मजा आया अच्छा की को, कोटा की कहानियां अगर आप लोग को सुनना है तो नीचे कमेंट करना तभी हम लोग सुनाएंगे नहीं तो नहीं सुनाएंगे बहुत <laughs> करना पड़ेगा <laughs> सोच ना बच्चे आज जा रहे हैं कोटा हमने तो कोटा को ऐसे स्टेज में देखा है की मतलब अब तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो गई हर जगह तलवंडी चेंज हो गया जवाहर नगर चेंज हो गया हम ऐसे जब वो डेवलप हो रहा था वहाँ पे रीजन

कभी कंप्यूटर जानता नहीं था टेंथ हाँ। तक उतना कभी था नहीं लेकिन मैं जो साइबर कैफे में वहां समय बिताया ना वहां से जो सीखा वहां से जो सीखने का लगा ना मेरे आज बहुत काम आता है मैं मैकेनिकल का बंदा लेकिन मैं ग्राफिक डिजाइनिंग भी सिखा देता हूँ वीडियो एडिटिंग सिखा देता हूँ तू खुद समझता है तू भी किया हुआ है हाँ हाँ। हाँ। भाई, हाँ। मैं तो ये जो कीड़ा है हाँ ये जो कीड़ा है ना अपने अंदर कि हम कंप्यूटर्स को खेल देते हैं अपने हिसाब से ये वहीं से आया वहां से जो हम लोगों ना एक कनेक्शन बना ना

या तो मूवी देखने आते थे उस बंदे की आवाज एकदम तो फटी हुई रहती थी लेकिन लाइफ से सीखते जब तक सब जब तक सीखेंगे ना तब तक बढ़ेंगे आगे सही बात अच्छा है अच्छा कोई भी मुझे बोलता है मैं नहीं बोलता हूँ भाई ने दो साल कोटा बर्बाद नहीं किया जिया है भाई वहां पे अब भाई जाना ही था वहां पे अब हम क्या कर सकते हैं हाँ हालांकि तो मे, मेरे मार्क्स ऐसे नहीं थे स्कूल के कि जो कि कोई माँ बाप रिस्क ले मेरे बाप ने रिस्क लेके मेरे को भेज दिया क्या ना सपने तो तो माँ बाप भी सपने देखने लगते हैं हमको ऐसा हुँ. लगता है कि सपने देखने से पूरे हो जाते हैं सिर्फ सपना तो देखा हमने लेकिन पूरा करने के पीछे जो मेहनत होती है वो हमने नहीं किया मैं तो खैर मुझे पढ़ाई वहाँ की जमी नहीं मतलब लिटरली बहुत फास्ट थी मैं उस योग्य नहीं था

बाप चलो सुमित जो भी हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं so बिल्कुल बिल्कुल, hmm? बिल्कुल, बिल्कुल um, उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा कोई भी रिक्वेस्ट हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना भाई भाई जो भी करना करना पढ़ के अच्छा लगना चाहिए <laughs> तो बहुत सारे कमेंट आएंगे इसमें <laughs> <laughs> वही तो ठीक है भाई ठीक है चल